हाँ कर दिया। एक सेकंड, बस ये लाइव हो रहा है फेसबुक पे, फिर शुरू कर। Facebook, it's live now. लाइव ऑन फेसबुक। Yeah, it is. Facebook, I think streaming has started. Yeah, okay, we should start it. Yeah. नमस्ते, सभी को बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द मास्टर क्लास फॉर ईपीबीसी। वन सेकेंड, वेलकम टू द मास्टर क्लास फॉर ईपीबीसी। और आज का हमारा सेशन है डेवलपमेंट इन रेड टेरर हिट डिस्ट्रिक्ट्स पे। और हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, श्री ओपी चौधरी जी, 2005 बैच आईएएस ऑफिसर। और इस टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए सर बहुत ही रेलेवेंट स्पीकर हैं, क्योंकि इन्होंने खुद ग्राउंड पे रह के बस्तर और दंतेवाड़ा जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हिट डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, वहाँ डेवलपमेंट के थ्रू इंसर्जेंसी को काउंटर किया है। तो सर अपना एक प्रेजेंटेशन देंगे सबसे पहले इसके बारे में कि कैसे उन्होंने एक गवर्नेंस मॉडल बनाया बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को यूनाइट करके, जो इंडिया में एक इंस्पिरेशन बना, और इसके लिए उनको प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला था 2012 में। सर का एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रो दूंगा और मैं चाहूँगा कि प्रेजेंटेशन के बाद वो खुद अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं, जो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। सर खरसिया जिला है छत्तीसगढ़ में, वहाँ के बायांग गांव से आते हैं और गवर्नमेंट स्कूल बायांग से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की। फिर दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करते हुए 2005 का जो आईएएस का बैच था उसमें सिलेक्ट हुए और ट्रेनिंग कम्प्लीट करके छत्तीसगढ़ काडर ज्वाइन किया। एक खास बात और ये है कि छत्तीसगढ़ काडर को अपना होम काडर पाने वाले पहले आईएएस ऑफिसर बने ये अपने स्टेट के, और वी कैन कॉल हिम अ यूथ आइकन विथ अ मच ब्रॉडर फैन बेस, क्योंकि ये जब आईएएस ऑफिसर थे तब भी ये यूथ आइकन थे, यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर थे अपने काम के कारण, अपने मॉडल्स के कारण। उन्होंने अलग इंटरेस्ट लेके नए नए गवर्नेंस इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि रायपुर का जो ओपन लाइब्रेरी है उसके बारे में भी हम चाहेंगे सर थोड़ा बताएं कि वो किस तरीके से एक इंडिया में अपने तरीके का पहला प्रोजेक्ट था। और फिर बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, अब उन्हें ब्यूरोक्रेसी में नहीं, पॉलिटिक्स में आके देश की सेवा करनी है, और उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी 2018 में और चुनाव लड़ा अपने होम टाउन से खरसिया में। और उसके बाद अभी बहुत एक्टिव हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और पूरे पूरे राज्य में यंगस्टर्स जो है, यंग लीडर्स हैं, उनके लिए एक आइकन की तरह उभर के आ रहे हैं। मैं बहुत बहुत सारे डेलीगेट्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूं ओपी सर। थैंक यू, प्लीज आप यू कैन टेक द स्क्रीन एंड स्टार्ट योर सेशन। श्योर श्योर श्योर। प्रेजेंटेशन Just 2 minutes.
अब इसमें शेयर स्क्रीन कर दो जी। सुयश जी स्क्रीन देख पा रहे हो? हेलो सुयश जी स्क्रीन दिख पा रहा है? दिख रही है स्क्रीन। ठीक है चेंज कर। हाँ स्क्रीन दिख रही है सर बिल्कुल। ओके ओके चेंज टू यहाँ पे ना ठीक है। सबसे पहले हम सबको मैं वेलकम करना चाहता हूं और थोड़े टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो डिले हो रहा है उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं। और सारे दोस्तों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया है उसको लेकर बहुत सारे भ्रम रहते हैं, इल्यूजन रहते हैं, गलत कॉन्सेप्ट गलत परसेप्शन बन जाते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑन ग्राउंड रियलिटी से कैसे हम ग्राउंड में चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे चीजों को ठीक कर सकते हैं, अपने अपने पार्ट को कैसे बेस्ट प्ले कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करेंगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे जो रेड पार्ट दिख रहा है छत्तीसगढ़ के मैप के बिल्कुल सदर्न पार्ट में, वो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का मैप है, जियो लोकेशन है। तो आप देखते हैं कि वो आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, सब तरफ से बॉर्डर शेयर करता है। जो उस जगह के जो लोकेलिटी है, जो जियो लोकेशन है, उसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है और एक्सट्रीमिज्म के एक हावी होने का एक बड़ा कारण ये भी है। जो वहाँ की मैं दो तीन चीजें और मैं बात करना चाहूंगा कि यहाँ पे जब हम जियो लोकेशन की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होता है। दूसरा नक्सलिज्म की एक्सट्रीमिज्म की जब भी हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जितने भी एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया हैं उसका एक बेसिक कैरेक्टर रहा है कि वो हिस्टोरिकली मेनलैंड सिविलाइजेशन से, मेनलैंड डेवलपमेंट से काफी डिस्टेंस पे रहा है। जो आप हिस्ट्री के किसी भी इरा को उठाकर देख लो तो एक डिस्टेंस वहां पे आपको दिखाई देगी। और यहाँ का जो मेन प्रॉब्लम मुझे जो नजर आता है वो है कि जो मेनलैंड सिविलाइजेशन है वहां से जो डिस्टेंस है वो सबसे बड़े प्रॉब्लम के रूप में मुझे नजर आता है। जैसे हम जब छत्तीसगढ़ के या दंतेवाड़ा के एक्सट्रीमिज्म की नक्सलिज्म की बात करते हैं तो जो जनरल इंसर्जेंसी के रीजन्स होते हैं कंट्री के अलग अलग भागों में वो बस्तर के एक्सट्रीमिज्म में आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे मैं बोलूं कि जैसे एक्सट्रीमिज्म के लिए जनरली कारण क्या बोला जाता है कि लैंड का जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक मेन कारण रहता है एक्सट्रीमिज्म का। लेकिन आप बस्तर में जाकर देखेंगे तो जो आदमी ठीक से कपड़े पहनने के लिए भी नहीं है, जिसका आधा बॉडी ही कपड़े से ढका है, हो सकता है कि वैसे आदमी के पास भी 50 एकड़ 100 एकड़, वैसे ट्राइबल भाई के पास भी आपको 50 एकड़ 100 एकड़ लैंड मिल जाएंगे। तो लैंड का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फैक्टर यहाँ आपको नहीं मिलेगा। दूसरा आप इसी तरह से देखेंगे कि जनरली एक्सट्रीमिज्म के लिए जो रीजन बताया जाता है वो क्या बोल दिया जाता है कि कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन एक बड़ा रीजन होता है। लेकिन आप बस्तर में जाएंगे तो एक सौभाग्य की बात है, एक बहुत अच्छी बात है, सीखने की बात है कि ट्राइबल सोसाइटी में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वाला मामला भी नहीं रहता है। बस्तर में की इंसर्जेंसी में वो भी कोई फैक्टर नहीं है। देश से अलग होने का, सेपरेट होने का जो फीलिंग होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट में हम देखते हैं या जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट में हम देखते हैं, तो वह भी चीज हमको बस्तर के नक्सलिज्म एक्सट्रीमिज्म में दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से ये सारे रीजन नहीं है, लेकिन वहाँ एक्सट्रीमिज्म क्यों है ये सबसे पहला पॉइंट आता है कि तभी हम आगे के चीजों को हम डेवलप कर पाएंगे सोच को कि किस तरह का पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए इसको हैंडल करने का। तो ये जो भी जनरल इंसर्जेंसी के पॉइंट्स गिनाए जाते हैं, जो रीजन गिनाए जाते हैं, वो बस्तर के दंतेवाड़ा के एक्सट्रीमिज्म में आपको नहीं मिलेंगे। चाहे वो लैंड का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वो नहीं मिलेगा, कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन है वो नहीं मिलेगा, कंट्री से अलग होने की बात है वो नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स वहां पे आपको नहीं मिलेंगे।
लेकिन आखिर रीजन है क्या? तो मुझे जो समझ में आता है बेसिकली वहां पर रहने के बाद काफी समय ऑन ग्राउंड स्पेंड करने के बाद मुझे जो समझ में आता है रीजन वो है कि मेनलैंड सिविलाइजेशन से हिस्टोरिकली एक डिस्टेंस बना हुआ है, वो एक सबसे बड़ा कारण मुझे नजर में आता है। और वहां के जो लोग हैं उनका एक्सपोजर नहीं है, जिसके कारण उनमें उनका इम्पावरमेंट नहीं हो पाया है, उनमें डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी डेवलप नहीं हो पाई है। और कभी रायपुर का आदमी, कभी दिल्ली का आदमी जाकर उनका रिप्रेजेंटेशन करने लगता है, अपनी आवाज को, कोई नॉन ट्राइबल दिल्ली से जाकर के अपनी आवाज को वहाँ आदिवासी भाइयों की आवाज बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उनकी अपनी आवाज नहीं है, उनका अपना इम्पावरमेंट नहीं है, उनमें अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डेवलप नहीं हो पाई है। इसलिए मुझे लगता है कि उस सोसाइटी को रियल सेंस में अगर हमको ठीक करना है, तो मुझे जो नजर में आता है कि इस ये एक मेन रीजन है कि वहां पे लोगों का जो एक्सपोजर नहीं हुआ है, उनका एम्पावरमेंट नहीं हुआ है, उसके कारण मेन एक्सट्रीमिज्म वहां पे है। और अगर हम उस सोसाइटी में रियल में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, रियल में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उस सोसाइटी को, इस प्रॉब्लम को हम रियल में अगर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वहां के लोगों का एम्पावरमेंट करना चाहिए, वहां के लोगों को एजुकेशन देना पड़ेगा, वहां के लोगों को एक्सपोजर देना पड़ेगा, जो आउटर वर्ल्ड है उससे भी उसका एक्सपोजर होना चाहिए, उनका उनके अपने कल्चरल आइडेंटिटी, उनके कल्चरल फैक्टर्स को हम रिस्पेक्ट करें, बट एट द सेम टाइम आउटर वर्ल्ड में दुनिया में क्या हो रहा है वो भी उनको पता चल सके, दुनिया में क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है उसको हम क्रिएट कर सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि वहां के प्रॉब्लम को रियल सेंस में परमानेंटली एक सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन अगर हम देना चाहते हैं, तो वी हैव टू इंश्योर एजुकेशन, एक्सपोजर एंड एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी देयर, देन ओनली दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन, वो अपना डिसीजन खुद ले सकेंगे, फिर उनको राइट आइडियोलॉजी पसंद है, लेफ्ट आइडियोलॉजी पसंद है, दे विल बी एबल टू डिसाइड बाय देमसेल्फ, वो अपना डिसीजन खुद ले पाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली अभी आवाज ना होने के कारण, उनकी अपनी आवाज, उस सोसाइटी की आवाज ना होने के कारण, उनका अपना एम्पावरमेंट ना हो पाने के कारण, उनमें डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डेवलप ना होने के कारण, ये सारे प्रॉब्लम वहां पे फेस करने पड़ते हैं। दूसरा, मैं वहां पे कैरेक्टरिस्टिक बताना चाहूंगा कि वहां पे जितने भी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पुअर रहे हैं, हिस्टोरिकली पुअर रहे हैं, क्योंकि मेनलैंड सिविलाइजेशन से उनका इंटरेक्शन नहीं रहा है, वहां की सोसाइटी में मोबिलिटी नहीं रही है, और वहां के लोगों का आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने का कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं हो पाया है। ये एक मेन प्रॉब्लम है, एक हिस्टोरिकली वहां पे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पुअर चले आ रहे हैं। चाहे हम किसी भी इरा की बात कर लें, जैसे हम हिस्ट्री में पहले जाते हैं तो लोग अफगानिस्तान वाले रूट से आते थे, गंगा के मैदान पे कब्जा करते थे, वहां पे किंगडम बनाते थे, दिल्ली को, आगरा को, और पूरे भारत को रूल करते थे। बट ये जो लैंड लॉक एरिया है, ट्राइबल एरिया है, डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसकी मेजोरिटी वाला जो एरिया है, उससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं रहता था, कोई ऑल इंडिया साम्राज्य बनाता भी था तो उसको इनडायरेक्टली किसी दूसरे रूरल या अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू डील करता था। जो मध्यकालीन भारत में जो यूरोपीय आए, व्यापारी आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, डच आए, वो सब भी पानी के रूट से आए थे, ओशियन के रूट से आए थे, जबकि लैंड लॉक एरिया था इसलिए वहां भी एक डिस्टेंस बना रहा। आजादी के समय जो अंग्रेज थे उन्होंने जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसको इस सोसाइटी पर भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया, और ट्राइबल मूवमेंट और नॉन ट्राइबल मूवमेंट को सेपरेट रखने की कोशिश की, और इस एरिया को मोस्टली प्रिंसली स्टेट्स के थ्रू टेकल करते रहे। तो और आजादी के बाद भी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि आजादी के बाद भी जो हमको उस एरिया को कैसे पॉलिसी इंटरवेंशन करना चाहिए, उस एरिया में कैसे हमको हैंडलिंग करनी चाहिए, हमको वहां पे उनके कल्चरल आइडेंटिटी को कैसे कैसे हमको सुरक्षित रखना है, साथ ही साथ वहाँ एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन, एक्सपोजर जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसको कैसे इंश्योर करना है, उसमें एक बड़ा गैप बना रहा है। कंफ्यूजन वाली पॉलिटिक्स, कंफ्यूजन वाला व्यू, कंफ्यूजन वाली पॉलिसीज वहाँ पे चलती रही, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा। जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो वहाँ पे हिस्टोरिकली पुअर रहा है, और अराउंड 1/3 ग्राम पंचायत वे आर हाईली इनएक्सेसिबल
1/3 household were unelectrified, 67% area dense forest का area है, card holder families 86% है, population density बहुत low है. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हिस्टोरिकली उस एरिया का एक मेनलैंड सिविलाइजेशन से डेवलपमेंट से एक डिस्टेंस बना रहा. उस एरिया को कैसे हैंडल किया जाना है उसके बारे में एक 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 कंफ्यूज पॉलिसीज चलती रही पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी. और उस हिस्टोरिकल प्रस्पेक्टिव में LWV लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आता है और उसके जो वायलेंस होते हैं वो सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है और डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को और पीछे ले जाता है. वो एरिया ऑलरेडी पिछड़ा हुआ था, हिस्टोरिकली पिछड़ा हुआ था, और वहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंट्री करता है और सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और डेवलपमेंट और पीछे चला जाता है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और पुअर चले जाते हैं. हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में जो वायलेंस की बातें करें तो इस तरह से रोड जो है उनमें ब्लास्ट होना, जो रोड कंस्ट्रक्शन ब्रिज कंस्ट्रक्शन में व्हीकल्स लगे रहते हैं उनको बर्न कर देना, डी रेलिंग हो जाना, इस तरह से डी रेलिंग हो जाना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में हो सकते हैं. ये जो अमानवीय दृश्य है और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो 6 अप्रैल 2010 को हुआ था जब हमारे 73 CRPF जवानों की शहादत हुई थी, और इस तरह से वहां पे इतने बड़े बड़े घटनाएं हुई जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने सॉवरेन लैंड के अंदर इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट हुए. 6 अप्रैल 2010 का ये दृश्य है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का. तो इस तरह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के घटनाएं होती रही. जो वहां पे स्कूल्स हैं वो स्कूल्स को ब्लास्ट करना, उनके छतों को उड़ा देना, इस तरह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में वायलेंस वहां पे होता रहा. तो इस सब के कारण से वहां पे सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होती चली. और जब मैं एज कलेक्टर वहां पे पोस्टेड हुआ तो मैं इस चीज को थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी को समझ पाया कि आखिर यहाँ इश्यू है क्या. तो मेरे को यही समझ में आया कि भाई यहाँ लैंड का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला मामला है नहीं, कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन है नहीं, यहाँ पे कंट्री से अलग हो जाएंगे जैसी कोई भावना है नहीं. तो ऐसे सिनेरियो में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिर बेस क्या है, इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है. तो मैंने यही रियलाइज किया कि एजुकेशन को सबसे ज्यादा प्रमोट करने की, एक्सपोजर को सबसे ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है ताकि लोगों का इम्पावरमेंट हो सके और आने वाले फ्यूचर के लिए वो अपना डिसीजन ले सके. ये एक कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी का निर्माण होगा. इस सोच के साथ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन थी. और इस पूरे जो नक्सल वायलेंस हुआ, इस सारी चीजों में जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुआ वो एजुकेशन को हुआ. एजुकेशन में अगर आप देखेंगे तो वहां पे दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बात कर रहा हूँ, 2004-2008 जो सलवा जुडूम पीरियड था उसमें अराउंड 86 स्कूल और आश्रम बिल्डिंग को ब्लास्ट किया गया. 20-30% स्कूल प्रैक्टिकली डिफंक्ट हो गए थे, कागजों पे चल रहे थे हमारे सरकारी आंकड़ों में, प्रशासन के कलेक्टर के नजर में स्कूल चल रहे थे, बट प्रैक्टिकली हमने जब देखवाया तो स्कूल पे कभी ताला ही नहीं खुलता था, वहां पे टीचर भी नहीं जाते थे. और ये कोई टीचर की मर्जी का चीज नहीं था कि नहीं जाते थे अपनी काम चोरी से, वो एक अलग इशू हो सकता है कि टीचर अटेंडेंस कैसे इंश्योर करना है. बट इन एरिया में अराउंड 20-30% एरिया जो डिस्ट्रिक्ट का था उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के कारण स्कूल्स डिफंक्ट हो गए थे. जैसे वहां तक जाने के लिए सड़क ही नहीं है, वहां तक बिजली ही नहीं है, टीचर वहां जाके रहना चाहे तो उसको किराए का मकान भी नहीं मिल सकता, इस तरह के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे. वहां तक बस ही नहीं जाती, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है. ऐसे सीनारियों में वहां पर प्रैक्टिकली इन स्कूलों में ताले लग गए. और इन सब का परिणाम था कि अराउंड 22,000 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वहां पे हो गए, आउट ऑफ स्कूल बच्चे वहां पे अराउंड 22% हो गए. ऐसे सीनारियों वहां पे क्रिएट हुआ. ऐसे सीनारियों में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जस्ट मिनट, मैं एक मिनट का ब्रेक लूंगा.
स्विच करो। एक मैं थोड़ा अमेंडेड वर्जन आप लोगों के साथ रिप्रेजेंट करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर, जब तक अगला सेटअप हो रहा है एक करेक्शन मैं देना चाहूंगा जो इंट्रो में दिया था मैंने, कि सर का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कल्याण कॉलेज से सर ने अपनी पढ़ाई की है। मैं क्लियर करता ही क्योंकि भिलाई का जब नाम आता है तो हमेशा ऐसा उस बीआईटी का नाम आता है, इसलिए स्लिप ऑफ टंग हो गया। सुरेश भाई जी, हेलो। सर, जब हम लोग आपका जो दंतिया मॉडल है तो हमारा एक गुड गवर्नेंस यात्रा होता है जिसमें हम अलग अलग स्टेट में जाके वहाँ के मॉडल को विजिट करते, तब हम गए थे दंतेवाड़ा देखने। अच्छा, आपने खुद गए हो, ठीक है, तब तो और अच्छा लगेगा आपको। मतलब इस डेलीगेशन में नहीं, कम लोग हैं, लेकिन वैसे हम लोग का कुछ लोग गए थे। हाँ, तो सर हम लोग जब दंतेवाड़ा गए थे तो उसके बाद नया रायपुर भी देखा और हमने प्रोजेक्ट भी देखा था, और तब जो तब के सीएम साहब थे डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके मीटिंग हुई तो उन्होंने पूछा था कहाँ कहाँ गए, तो हमने बताया था दंतेवाड़ा मॉडल देखा, तब फिर उन्होंने बताया कि आपको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड भी मिला और उस बारे में बात भी हुई थी उस समय। अच्छा जी, तो मैं आता हूँ प्रेजेंटेशन पे। सुयश, चीजें लाइनअप हो गई हैं। तो मैंने बताया कि अराउंड 22,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे, परसेंटेज टर्म में हम बात करें तो अराउंड 50.3% बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे, जो कि मुझे लगता है कि आप इमेजिन करो कि डिस्ट्रिक्ट में 50% बच्चे, मतलब आने वाली पीढ़ी, आने वाले जनरेशन का आधा आधा परसेंटेज आउट ऑफ स्कूल रहे, इस तरह का सिनारियो वहां पे निर्मित था। तो सबसे पहला जो एजुकेशन में प्रॉब्लम था कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों का, उसको हैंडल करने के लिए हमने जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी कि हम रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाएंगे, रेसिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, और इस तरह से रेसिडेंशियल स्कूल्स हमने बनाने की एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी, और ये पूरे अलग अलग लोकेशंस पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में कंबाइंड दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सुकमा भी मेरे टाइम पे जब मैं कलेक्टर था तो इसका पार्ट था, ये दोनों मिलाकर हमने 53,500 सीटर रेसिडेंशियल स्कूल प्लान किया, और अलग अलग लोकेशन आप देख रहे हैं एरो मार्क किया हुआ है कि अलग अलग लोकेशंस पे हमने 500 सीटर रेसिडेंशियल स्कूल प्लान किया, और एक ऐसे लोकेशन पे था जो बफर जोन में था, मतलब जहां पे हमारा कंट्रोल खत्म होता था और दादा लोगों का कंट्रोल चालू होता था, वैसे लोकेशन पे हमने 500 सीटर रेसिडेंशियल स्कूल प्लान किया, और आसपास के गांवों की मैपिंग करी कि यहां पे जो भी बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जो इनकी जिनकी स्कूलों में ताला लग गया है, उन सब बच्चों को इन 500 सीटर रेसिडेंशियल स्कूल से कनेक्ट किया जाएगा। ये हमने पूरी पॉलिसी बनाई, एक पूरा प्लान बनाया, और 53,500 सीटर रेसिडेंशियल स्कूल हमने प्लान किया। कई जगह पे परमानेंट कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं था, तो प्रोसेस बैम्बू बेस्ड जिस तरह की स्ट्रक्चर बनाए गए, ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं, तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स हमने बनाने तैयार चालू किए, और इन्हीं को पोर्टेबल केबिन या पोटा केबिन के नाम से जाना जाता है, और ये पूरे पोटा केबिन हमने खड़ा किए, अराउंड 44 रेसिडेंशियल स्कूल 500 सीटर 2 साल के अंदर हमने बनाए, और आज की तारीख में कोई मतलब उनका आप आंकड़ा देखोगे, करीब 18,000 बच्चे, 18,000 से 20,000 आउट ऑफ स्कूल बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं, तो ये एक मेजरेबल आउटकम के रूप में वहां पे सामने आया।
जब इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे तैयार हो गया तो दूसरा बड़ा चैलेंज था कि हम पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करके उनके बच्चों को नियर बाई लोकेशन के इन रेसिडेंशियल स्कूल्स पे लाएं। इसके लिए हमने लोकल ट्राइबल यूथ को अनुदेशक के रूप में अपॉइंट किया ताकि लोकल लोग उनके ट्रस्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से विन कर सकते थे। और हाट बाजार में जाते थे, पेरेंट्स को कन्विंस करते थे गोंडी में, हल्बी में, लोकल डायलेक्ट में, और ये करने के बाद वो लोग कन्विंस हो जाते थे पेरेंट्स। शुरू में इस तरह की दिक्कतें हुई, बाकी तो लाइन लग गया कि एकदम डिमांड राइज हुआ और हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे जगह में रखना चाहता है, पढ़ाना चाहता है। और जहां पे अभाव है, जहां पे एक्सट्रीमिज्म है, वहां पे तो और भी कोई पेरेंट्स चाहेगा। मतलब इतना इतना किसी भी सोसाइटी में अवेयरनेस होता है कि अपने बच्चे के लिए बेस्ट फ्यूचर हर पेरेंट्स चाहता है। दूसरा, इस तरह से हमने वहां पे एडमिशन कर लिया। जब एडमिशन कर लिया तो एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाना नेक्स्ट चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि ट्राइबल जो सोसाइटी है उससे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है काफी हद तक कई मायनों में डिसकनेक्टेड भी रहता है। तो ज्यादा उनको कनेक्ट करके ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए एजुकेशन मॉडल को, इसके लिए हमने प्रयास किए। जैसे एक एफर्ट के रूप में हम देख सकते हैं कि हमने प्राइमर्स जो बच्चों के पढ़ाई लिखाई शुरू करने के लिए जो मटेरियल होते थे उनको लोकल डायलेक्ट गोंडी हल्बी में हमने बनाना चालू किया। हम बोल देते हैं यहाँ कनार, आ काम, ई का इमली का, इस तरह से जो भी बोल देते हैं, जहाज वहाज, पानी और अलग अलग चीजें बोल देते हैं। उनसे उनका कोई कांटेक्ट ही नहीं होता है, उनके पेरेंट्स ने, उनके माँ बाप ने भी नहीं सुना होगा, उस तरह के नाम होते हैं। इसलिए हमने सबसे पहला काम किया कि जो अल्फाबेट है उनको लोकल डायलेक्ट गोंडी हल्बी में डेवलप करने का काम किया। आ का अर, अर मतलब रास्ता, आ का आग, आग मतलब पत्ता, ई का इत्ता, इत्ता मतलब इमली, ई का इरू, इरू मतलब महुआ, लाइक दैट, ताकि वो बच्चा अपने आप को कनेक्टेड फील करे। क्योंकि बच्चा कनेक्टेड नहीं फील करेगा और एजुकेशन को अगर उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा तो वो छोड़ के चला जाएगा आपके और ड्रॉप आउट हो जाएगा, आपके रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ने वाला है नहीं। दूसरा, इसी तरह से बचपन बनाओ प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया विज्ञान आश्रम पुणे के साथ कोलोबरेट करते हुए, जो लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। और इसके माध्यम से प्रैक्टिकल लाइफ साइंसेस की जो चीजें होती हैं, जैसे एग्रीटेक, एग्रीकल्चर, होम साइंस, इस तरह की जो चीजें होती हैं, उन चीजों को हमने प्रमोट किया और उसके माध्यम से एक इंटरेस्टिंग एजुकेशन मॉडल लाने की कोशिश की, ताकि बच्चों का भी मन करे, उनका रियल सेंस में पर्सनलिटी ग्रोथ भी हो। इस तरह से हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में साइंस म्यूजियम क्रिएट किया ताकि साइंस एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। और विज्ञान आश्रम पुणे, आईसर पुणे, इन सब के साथ कोलोब्रेशन करके जो अच्छा करते थे बच्चे उनको साइंस एक्सपोजर टूर कराने का हमने एक सीरीज चलाया और हजारों बच्चों को एक्सपोजर टूर हम लोग इंश्योर करने लगे। जो गर्मी का समय होता है, समर वेकेशन होता है, वो ट्राइबल सोसाइटी में ड्रॉप आउट का एक बड़ा कारण होता है। इसलिए हमने जो गर्मी का समय था, जो समर वेकेशन का टाइम था, उसको हमने बड़ा छोटा किया, हफ्ता दिन का किया, क्योंकि उस समय होता क्या है कि ट्राइबल बच्चे गांव में जाते हैं और फिर वापस नहीं आते हैं। तो हमने उसको पूरा मॉडल चेंज किया, हम एक हफ्ते के लिए जाओगे, उसके बाद स्कूल आओगे, इसमें पढ़ाई कुछ नहीं होगा, इसमें आपके डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, इस तरह के चीजें होंगी। तो वो चीज बच्चे गए और हफ्ते दिन बाद तुरंत वो लोग वापस आ गए। उनको क्योंकि आर्ट और इस सब चीजों में ट्राइबल बच्चों का बड़ा मन रहता है, हर बच्चे का बड़ा मन रहता है, तो एक इंटरेस्टिंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके। और हमने भी एक्सपेरिमेंट किया कि एक बच्चा गांव में जाता है तो वो ड्रॉप आउट ना हो, उसको हमने एक टास्क दिया कि तुम एक और बच्चे को कन्विंस करके इस रेसिडेंशियल स्कूल में लाओगे। तो इस तरह से ड्रॉप आउट होने के बजाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो इनरोल्ड हो रहे थे बहुत तेजी से पहले साल में ही बढ़ गए। दूसरा, हमने एक्सपोजर के लिए ऑडियो विजुअल रूम सारे रेसिडेंशियल स्कूल में क्रिएट किए। वहाँ टेलीविजन या एलईडी एलसीडी लगा देते थे और वहाँ पे टाटा स्काई के माध्यम से लर्निंग कोर्सेज, सीडी जो सीडी प्लेयर होता है वो देकर लर्निंग सीरीज वो सब प्रोवाइड कर देते थे। और स्क्रीन के थ्रू एक्सपोजर, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता था, कोशिश होती थी कि भाई टीवी में न्यूज देख रहा है, दुनिया भर की चीजें देख रहा है, हिंदी सुन रहा है, अंग्रेजी सुन रहा है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है। और मुझे हमेशा लगता है कि एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपोजर है, विशेषकर उस सोसाइटी के लिए, हर सोसाइटी के लिए। हमने तमन्ना प्रोजेक्ट वहां पे चलाया जिसमें हर दिन 150 बच्चों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का एक्सपोजर टूर कराते थे और इसके तहत 35,000 बच्चों को हमने कवर किया डिस्ट्रिक्ट में। और इसमें जैसे कलेक्टर से मिलवाना, एसपी से मिलवाना, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज होता है, जो आईटीआई होता है, उन सबको दिखाना, वहां माँ दंतेश्वरी का मंदिर है उसको विजिट कराना, और जो जो एक वहां पे कोई थिएटर नहीं था पूरे डिस्ट्रिक्ट में, प्राइवेट या सरकारी किसी प्रकार का कोई थिएटर नहीं था, तो इसलिए हमने एक सरकारी थिएटर बनाया और उसमें मूवी तारे जमी पर, इस तरह की मूवी हम वहां पे दिखा देते थे। तो बच्चों के लिए एक दिन का बहुत ही बढ़िया पैकेज हो जाता था और उनके एजुकेशन मॉडल इंटरेस्टिंग होने लगे और उनका एक्सपोजर भी उनको बढ़ने लगा, उनको समझ में आने लगा
कि एक जो डिस्टेंस है एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल कम्युनिटी का, जो मार्जिन में सोसाइटी के खड़ा है, उनके बीच के डिस्टेंस को कम करने की इसके माध्यम से कोशिश की गई। एक्सपोजर टूर जो बड़े डेली, जो कम बच्चों, बड़े बच्चे 11 12th के बच्चे होते थे, 10th के बच्चे होते थे, उनको डेली का, उनमें मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, इस तरह की चीजों को दिखाना, ये भी हमारी कोशिश होती थी। इस पूरे प्रोसेस में लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए हमने स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज को इम्पावर किया और उनको हमने साथ में लिया, ताकि लोकल ट्रस्ट इस पूरे एजुकेशनल मॉडल के चेंज में बना रहे। तभी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जब तक लोकल ट्रस्ट, पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं रहेगा, यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट द थिंग्स। इस तरह से हमने चीजें की। ये पुराने डेटा है, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 2 साल की ड्यूरेशन में अराउंड 44,500 सीटर रेसिडेंशियल स्कूल्स बने थे, और उसमें आज की डेट में 18,000 से 20,000 बच्चे वहां पे पढ़ाई करते हैं। और उस समय की ही बात करूं तो जो बच्चे, जो जनवरी 2011 में करीब 22,000 बच्चे, 22,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे, परसेंटेज टर्म में 3% बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे, वो केवल 2 साल में, जनवरी 2011 से जनवरी 2013 के बीच में, केवल 2 साल के ड्यूरेशन में जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों का परसेंटेज था वो 50.3% से घटकर 13% हो गया। इस तरह से मिजरेबल आउटकम आए। और इस तरह से पोटा केबिन, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों को कम करने के लिए ये जो अभियान था, ये काफी हद तक सफल हुआ, और इससे लगभग आधी जनरेशन जो आउट ऑफ स्कूल थी उसको हम लोग एजुकेशन की मेन स्ट्रीम में लाने में सफल हुए। ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आने वाली जनरेशन को कहीं ना कहीं एजुकेशन और आउटर वर्ल्ड से, सिविलाइजेशन से जोड़ने की कोशिश थी। निश्चित रूप से इस पूरे प्रोसेस में, इस एजुकेशनल मॉडल में, उनके लोकल कल्चरल आस्पेक्ट, उनके लोकल डायलेक्ट, गोंडी, हल्बी, इनके आस्पेक्ट्स को भी जोड़ देने की कोशिश की गई। एक दूसरा प्रोजेक्ट मैं बताना चाहूंगा, नन्हे परिंदे। आप सब मानते होंगे कि सारे इंटरेक्शन और सारे क्वेश्चंस हम लास्ट में करेंगे, एक बार मैं जल्दी से खत्म कर लेता हूँ। एक दूसरा प्रोजेक्ट मैं ब्रीफ करना चाहूंगा, नन्हे परिंदे। आप सब मानते होंगे कि जो नवोदय विद्यालय है, गांव-गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, और जो सैनिक स्कूल्स हैं उनमें बहुत अच्छा एजुकेशन होता है, और लगभग कम्प्लीटली जीरो कॉस्ट पे या मैक्सिमम सब्सिडी के साथ वो स्कूल्स चलते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि नन्हे परिंदे जैसे प्रोजेक्ट्स में भी, सॉरी नवोदय विद्यालय जैसे प्रोजेक्ट्स में भी, जो रूरल एलीट होता है, जो सरपंच का बच्चा है, जो स्कूल के हेडमास्टर का बच्चा है, उसके बच्चे एडमिशन ले पाते हैं। जो एक्चुअल नीडी पर्सन है, जो मोस्ट वल्नरेबल है, जो एक्सट्रीमिज्म से, नक्सलिज्म से मोस्ट अफेक्टेड गांव का बच्चा है, वो नवोदय विद्यालय तक पहुंच नहीं पाता। उनको पता ही नहीं चल पाता कि भाई मतलब ये कोई एग्जाम होता है, कोई कॉम्पिटिशन होता है, कोई गाइड पढ़नी पड़ती है, दे डोंट नो द थिंग्स, इसलिए वो बच्चे वहीं रह जाते हैं। तो इसलिए हमने कोशिश की कि नन्हे परिंदे के तहत, कि जो भी मोस्ट अंडर प्रिविलेज जो बच्चा है, मोस्ट जो वल्नरेबल बच्चा है, उसको हम लोग लाते थे, 100 की संख्या में सेलेक्ट करते थे। सिलेक्शन का आधार कोई एजुकेशनल या मेरिट नहीं था, बल्कि मोस्ट नीडी जो है, मोस्ट एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड गांव का जो बच्चा है, इस तरह के 4th क्लास के 100 बच्चों को हम इकट्ठा करते थे और उनको नन्हे परिंदे प्रोजेक्ट के तहत नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के लिए तैयार करते थे। और मैक्सिमम बच्चे 100 में से 60-65 बच्चे हमेशा नवोदय विद्यालय के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। अभी भी वो मॉडल लगातार चल रहा है और बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है। हर साल 60-65 बच्चे उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। बाकी जो बच्चे बचे होते हैं वो भी अच्छे किसी रेसिडेंशियल स्कूल में पहुंच ही जाते हैं। तो इस तरह से मॉडल काफी सक्सेसफुल हुआ, नन्हे परिंदे का जो मॉडल है। जैसे इसमें देख सकते हैं, बच्चा 5th क्लास का है, सुकालू मंडवी, और ये उसी साल आया था नन्हे परिंदे में और सेलेक्ट हुआ था नवोदय विद्यालय के लिए। नवोदय विद्यालय में पूरी पढ़ाई किया, अब 12th क्लास तक कंप्लीट कर लिया, और आप लोगों को बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई कि लास्ट ईयर वो 12th क्लास कंप्लीट किया और उसके बाद वो BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरी आपको सैकड़ों की संख्या में, हजारों स्टोरी मिल जाएंगी, जो नन्हे परिंदे के थ्रू आए। किसी के माँ बाप दोनों नहीं थे, पूरा अनाथ बच्चा था, किसी के माँ या पिताजी, किसी को नक्सलिज्म एक्सट्रीमिज्म में मारा गया, अब वो आया नवोदय विद्यालय में, और नवोदय विद्यालय पढ़ के नन्हे परिंदे में पहले आया, फिर नवोदय विद्यालय में एडमिशन हुआ, फिर वहां से वो आज किसी NIT में है या मेडिकल कॉलेज में है या BHU है। इस तरह के आपको सैकड़ों सक्सेस वहां पे मिल जाएंगे। फर्स्ट बैच का बच्चा था। थर्ड प्रोजेक्ट में मैं हल्की सी बात करना चाहूंगा, RTE, राइट टू एजुकेशन में प्रोविजन है कि 25% जो सीटें हैं प्राइवेट स्कूलों की, क्वालिटेटिव प्राइवेट स्कूलों को भी, महंगे प्राइवेट स्कूलों को भी, 25% सीट लोकल बच्चों को, गरीब बच्चों को, BPL बच्चों को देना पड़ता है, हिंदी मीडियम मूवी
जो बनी थी इरफान जी की, वो उसमें इसी पर वो पूरी स्टोरी बनी थी, आपने देखा होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो लोकल बच्चे रहते हैं उन्हीं को एडमिशन दिया जाता है, और इसमें रेसिडेंशियल फैसिलिटी का कोई प्रोविजन नहीं है। इसलिए जो गांव में बच्चा है एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड जो बच्चा है, वो तो अच्छे प्राइवेट स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो किसी गांव में और उसको रेसिडेंशियल फैसिलिटी मिलेगी नहीं, तो कैसे इसका फायदा ले पाएगा। तो इसलिए उसके बिना विदाउट रेसिडेंशियल फैसिलिटी इसका कोई ज्यादा मायने नहीं था। इसलिए हमने अच्छे प्राइवेट स्कूलों के जो नियर बाई लोकेशन थे उनमें गवर्नमेंट हॉस्टल्स बनाए, और बच्चों को अंदर अंदर से एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड गांव से बच्चों को हम लाते थे, अपने हॉस्टल में रखते थे, और अपने हॉस्टल में रखकर उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए, सीबीएसई मॉडल स्कूल है, कोई आईसीएसई बोर्ड का स्कूल है, उनमें हम भेज देते थे। रहने की सुविधा हम एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करते थे, और पढ़ाई क्वालिटी प्राइवेट स्कूल में श्योर करते थे, तब ये सक्सेसफुल हुआ। इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी बच्चों को। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे मैं बात करना चाहूंगा, छू लो आसमान। 11th 12th का जो साइंस एजुकेशन है वो पूरे कंट्री के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि 11th 12th के साइंस एजुकेशन सरकारी स्कूलों में लगभग पूरे कंट्री में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। और एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड दंतेवाड़ा बस्तर की जब हम बात करें तो और भी बड़े स्केल में बड़े प्रॉब्लम के रूप में हमको दिखाई देता है। इसलिए इस प्रॉब्लम को टारगेट करते हुए प्रोजेक्ट था छू लो आसमान। आपने एक चीज देखा होगा कि जब जो ह्यूमन रिसोर्स का इशूज है जो एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया में, वो बहुत बड़ा है। आई मीन कि जैसे कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन गया या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी पीएचसी बन गए, लेकिन वहां पे नर्स ना मिलती, ना डॉक्टर मिलता, वो सब कोई मिलता ही नहीं है। आप कितना भी पेमेंट देंगे, आउटसोर्सिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी करेंगे, बट प्रॉब्लम का जो परमानेंट सॉल्यूशन होना है वो हो नहीं पाता है, क्योंकि वहां पे जो ट्रबल यूथ है वहां पे वो तो पढ़ा लिखा नहीं है। लोकल ट्राइबल यूथ जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो नर्सिंग कोर्स बच्ची वहां पे करी नहीं है, जो वहां पे लड़का कोई एमबीबीएस किया नहीं है, इसे सारे पोस्ट खाली पड़े रहते हैं। इसी तरह हम ब्लॉक पंचायत में जाए तो इंजीनियर के पोस्ट खाली पड़े रहते हैं, क्योंकि लोकल जो यूथ है वो पढ़ा हुआ नहीं है, और बाहर से कोई वहां पे जाना नहीं चाहता। इसी तरह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमको दिखाई देता है कि लोकल टीचर भी जो होते हैं साइंस टीचर, वो भी नहीं मिलते, क्योंकि साइंस एजुकेशन वहाँ पे पुअर है और लोकल ट्राइबल यूथ वहाँ पे साइंस पढ़ा नहीं है, और साइंस पढ़ा नहीं है इसलिए साइंस के पोस्ट वहाँ पे खाली पड़े रहते हैं। तो जो साइंस के टीचर नहीं है इसलिए वहाँ साइंस एजुकेशन पुअर हो जाता है, और कोई बच्चा साइंस पढ़ता नहीं है, और कोई लोकल ट्राइबल बच्चा साइंस पढ़ता नहीं, इसलिए कोई साइंस टीचर निकल नहीं पाता है। एक एक चिकन स्टोरी वहाँ पे बनी हुई है, और वो एरिया एक विशेष सर्कल में फंसा हुआ है, एक विशेष साइकिल में फंसा हुआ है। इसी को टारगेट करने के लिए हमने सेंट्रलाइजेशन की स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। एक प्लानिंग के तहत आप देखेंगे कि एक गांव में साइंस के 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरे गांव में साइंस के 7 बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी गांव में साइंस के 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, और किसी गांव में फिजिक्स का टीचर है तो वहाँ केमिस्ट्री का नहीं है, किसी दूसरे गाँव में बायोलॉजी का टीचर है तो वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं है। इस तरह का सिनारियो था कि कहीं 2 बच्चा कहीं 5 बच्चा इस तरह से पढ़ रहे हैं 11th 12th में, और टीचर भी इसी तरह से स्टैगर्ड मैनर में इधर उधर फैले रहते थे। तो हमने क्या किया कि 11th 12th के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और ब्लॉक हेडक्वार्टर, इनको छोड़कर बाकी जो दूरस्थ एरिया में, इंटीरियर एरिया में जितने भी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल थे, उनमें जितने भी बच्चे थे साइंस पढ़ने वाले, उन सबको हमने इकट्ठा कर लिया, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 2 कैंपस बना दिया, एक बॉयज कैंपस एक गर्ल्स कैंपस, और इन दोनों कैंपस में हमने उनको बोर्डिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की। और जिस तरह से बच्चों को सेंट्रलाइज किया गया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इंटीरियर एरिया के बच्चों को, इसी तरह से जो टीचर्स इधर उधर पढ़ते कहीं मैथ्स का कहीं फिजिक्स का कहीं बायोलॉजी का कहीं केमिस्ट्री का, उनको भी हमने इकट्ठा कर लिया जो क्वालिटेटिव टीचर्स थे, और उनको हमने मिला दिया। तो प्रैक्टिकली एक बहुत अच्छा मॉडल तैयार हो गया कि बोर्डिंग फैसिलिटी के साथ बच्चे हमारे साथ रह रहे हैं, और उनको जो बेस्ट टीचर है वो पढ़ाने लग गया, तो टीचर नहीं होने की जो समस्या थी वो बच्चों के लिए समाप्त हो गई। एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटजिकल मूव था वहां के हिसाब से। और जब बच्चे पूरे टाइम रेसिडेंशियल फैसिलिटी के साथ, बोर्डिंग फैसिलिटी के साथ आपके साथ रह रहे हैं, तो आधा टाइम तो बच्चे रेगुलर कोर्स पढ़ाई करते थे, बाकी आधा समय जो था उसमें हमने उनको इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी चालू करा दी। और फर्स्ट ईयर में हमने विजन कोटा के साथ एग्रीमेंट किया था छू लो आसमान का, और बाद में इस तरह के अच्छे जो क्वालिटेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे उनको लिंकअप किया, और इंजीनियरिंग मेडिकल की भी तैयारी उसमें कराने लग गए। छू लो आसमान हमारा सुपर 30 क्रिएट करने का इंटेंट नहीं था। आनंद जी इज माय गुड फ्रेंड जो सुपर 30 चलाते हैं, और वो बहुत नाराज होंगे शायद इस बात से, बट हमारा फोकस शुरू से रहा कि सुपर 30 कुछ चैंपियंस क्रिएट कर देने से सोसाइटी का प्रॉब्लम पूरा सॉर्ट आउट नहीं हो सकता।
जो लोएस्ट 30 है सोसाइटी में, जो मोस्ट वल्नरेबल है, उसको एक एक रीजनेबल और कंस्ट्रक्टिव जगह पे पहुंचाना, ये बड़ा चैलेंज होता है और सोसाइटी को बड़ा चेंज लाकर देता है। निश्चित रूप से कुछ चैंपियंस भी चाहिए सोसाइटी को, बट जो मास स्केल पे जो मोस्ट वल्नरेबल है उसको कैच करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 4 बच्चों को IIT में पहुंचा दूं, 4 बच्चों को एम्स में पहुंचा दूं, वो उतना बड़ा सक्सेस मैं नहीं मानता जितना एक मोस्ट एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड, जहां पे 76 जवान मारे गए थे, वैसे चिंतल नार, वैसे 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 जो मोरपल्ली, चिंतल नार, चिंता गुफा जैसे जो गांव हैं, वहां से अगर कोई बच्चा 10वीं में 3rd डिवीजन से भी पास हुआ है, 40% 35% लेकर भी पास हुआ है, उसको अगर मैं लाऊं 11th 12th में साइंस पढ़ा दूं, और एक बच्ची अगर नर्स बन जाती है नर्सिंग कोर्स करके, एक बच्चा पॉलिटेक्निक करके ब्लॉक पंचायत में इंजीनियर बन जाता है या साइंस का टीचर बन जाता है, तो वो मेरे लिए ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है रादर देन एक IIT या एम्स में पहुंचाने से। तो इस अप्रोच के साथ छुलो आसमान को डील किया गया, और इसमें मेरिट तो मेरिट और चैंपियन क्रिएट करना तो स्ट्रेटजी थी ही, लेकिन मोस्ट वल्नरेबल को एक रीजनेबल जगह पे पहुंचाना, अगर चिंतल नार का एक बच्चा अगर पटवारी बन जाता है, साइंस टीचर बन जाता है, और 5 साल 10 साल बाद एक बाइक लेकर भी गाँव में जाता है, तो वो एक बड़ा चैंपियन होगा और सोसाइटी में बड़ा चेंज को ब्रिंग कर सकता है, बड़ा चेंज ला सकता है। इस सोच के साथ वहां पे हम लोगों ने काम किया। बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, फार्मेसी, इंजीनियरिंग इन सब में सेलेक्ट हुए, और बट बहुत सारे बच्चे और तेजी से आगे बढ़े। जैसे इस कैंपस में आदरणीय मोदी जी PM बनने के बाद भी विजिट किए, हमारे उस समय के गवर्नर साहब भी वहाँ पे विजिट किए, हमारे उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर साहब भी विजिट किए, हमारे उस समय के CM डॉक्टर रमन सिंह जी भी वहाँ पे विजिट किए, उस समय HRD मिनिस्टर जयराम रमेश जी थे UPA गवर्नमेंट में, उन्होंने भी विजिट किया। इस तरह से वहाँ पे कैंपस अलग अलग बने रहते थे, सर JC बोस हाउस, APJ ब्लॉक, इस तरह से नामकरण करते थे ताकि लोगों को साइंस एजुकेशन के लिए प्रमोट किया जा सके बच्चों को। तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी। पहले साल का ही वहाँ पे पास आप देखेंगे दंतेवाड़ा में इन जनरल पास परसेंटेज जो था उस समय 12th क्लास के लिए साइंस के लिए हार्डली 15-20% बच्चे पास होते थे, वो सीधा जंप करके 96% पे पहुंच गया। फर्स्ट डिवीजन परसेंटेज 26% पर पहुंच गया। 3 लड़कियों ने उस कैंपस से मेरिट पे रैंक इंश्योर किया। अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे बच्चे बच्चियों का सिलेक्शन हुआ। इस तरह की चीजें हुई। तो ये अलग अलग अप्रोच के साथ एक पॉलिसी इंटरवेंशन करके हमने लोकल प्रॉब्लम को लोकल सॉल्यूशन देने की कोशिश की। पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वन जैकेट अप्रोच तो दंतेवाड़ा जैसे वल्नरेबल जगह में वो भी एजुकेशन के लिए, साइंस एजुकेशन के लिए या ड्रॉप आउट बच्चों के लिए कभी वर्कआउट कर नहीं सकता, वो सॉल्यूशन दे नहीं सकता। जो हमारी स्ट्रेटजी दिल्ली के लिए या रायपुर के लिए होगी वो दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, बस्तर में काम नहीं कर सकती। इसलिए हमने हर चीज को यही कोशिश की कि लोकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए, उसका लोकल सॉल्यूशन सोचा जाए, और उस लोकल सॉल्यूशन को स्कीम्स के जो फंड्स थे उनको हम कैसे कन्वर्ज करें और उसके हिसाब से आगे बढ़ें। मेरा यह कहना है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आते हैं, एक विजन बेस्ड अप्रोच से सॉल्यूशन के लिए काम करते हैं, तो स्कीम्स का कन्वर्जेंस अपने आप होता है। स्कीम इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच इज वेरी डेंजरस जब हम नंबर गेम में पड़ जाए, बल्कि हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखना चाहिए। जो लोकल प्रॉब्लम है उसका लोकल सॉल्यूशन सोचें, और गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग स्कीम्स को हम कैसे यूज करें उस पे हमको फोकस करना चाहिए, और वहां पे जो गैप आते हैं उसको एड्रेस करना चाहिए। जैसे कोई भी हम स्कीम, जैसे मान लीजिए कि रेसिडेंशियल स्कूल बना रहे हैं 500 सीटर, तो सर्व शिक्षा अभियान से हमको फंड मिल गया, उसका हम सबसे पहले यूज करते थे, लेकिन अब आपको बिल्डिंग के लिए पैसा मिल गया, लेकिन वहां पे आपको अप्रोच रोड भी बनानी है। अप्रोच रोड बनाना है तो आप MG नरेगा को, महात्मा गांधी नरेगा को यूज कर सकते हैं। आप वहां पे मान लो वहां पे बोर करने का रेगुलर बजट में सर्व शिक्षा अभियान में प्रोविजन नहीं है, तो वैसे सीनारियो में हम लोग जो PHE पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है उसके फंड्स को यूज करके बोरिंग करते थे। इस तरह से हम लोग यूज करते थे अलग अलग चीज। वहां तक मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का लाइन नहीं गया है, इलेक्ट्रिसिटी पोल गार्ड करके वहां पे ले जाने के लिए कुछ गैप, जो क्रिटिकल गैप को भरने वाले जो फंड होते हैं उनका यूज करते थे। जैसे उस समय EAP चलता था, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, BRGF चलता था, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, माइनर मिनरल्स की रॉयल्टी आती थी। ये फंड ऐसे थे जो फ्लेक्सिबल थे, डिस्क्रिशनरी इन नेचर थे, और क्रिटिकल गैप को फिलअप करने के लिए फंडिंग की जा सकती थी। इस तरह के गाइडलाइंस वाले ये स्कीम्स होते थे, तो इनको यूज करते थे जो रेगुलर बजट में नहीं होता था। और जैसे कुछ चीजें होती है जो लास्ट में होता ही नहीं, जैसे मैंने ऑडियो विजुअल रूम्स की बात करी,
या समर कैंप विंटर कैंप की बात करी, तो वहां पे हमको एलसीडी लगानी है, सीडी प्लेयर लगाना है, टाटा स्काई लगाना है, तो कोई गवर्नमेंट बजट या गवर्नमेंट स्कीम ये सब तो सोचती ही नहीं है, वहां तक पहुंचती ही नहीं है, प्रोविजन ही नहीं होता है। तो इसलिए हमने जो मोस्ट फ्लेक्सिबल फंड था सीएसआर फंड, वहां पे बैलाडीला हिल्स है जहां पे एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माइंस होते हैं आयरन ओर के, वर्ल्ड का सबसे बड़े डिपॉजिट्स और सबसे बेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट्स में से एक है, वहां पे माइनिंग होती है, उनके सीएसआर फंड्स, एसआर प्राइवेट इंटरप्राइज है, उनके सीएसआर फंड्स को यूज किया, जहां पे कोई भी स्कीम से हमको मदद नहीं मिल पाती थी। सबसे पहले रेगुलर बजट की स्कीम, जो मोस्ट स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस वाले होते हैं, जो मोस्ट डिफिकल्ट होता है जिसको हैंडल करना, वो सबसे पहले यूज करते थे। फिर कोई चीज के लिए फंड ना मिल पा रहा हो तो क्रिटिकल गैप फंडिंग के लिए जो फंड यूज कर सकते थे उनको यूज करते थे, और जब किसी चीज के लिए बिल्कुल ही फंड ना हो तो मोस्ट फ्लेक्सिबल फंड जो सीएसआर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड होते थे उनको रेज करके, जो इंडिया में एग्जीक्यूटिव कलेक्टर जो होता है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी होता है, हिंदी में उसको जिला दंडाधिकारी बोलते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में उसको दंडाधिकारी ना बोलकर दंडाधिकारी बोला जाता है। तो अगर आप सही मायनों में उसका उपयोग करना चाहें तो कोई भी इंडस्ट्री अपना सीएसआर वगैरह देती ही है, और उससे आप बहुत कुछ सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। अभी मैंने बात करी कि कन्वर्जेंस की, जब एक विजन के साथ एक अप्रोच के साथ हम काम करते हैं तो एक कन्वर्जेंस अपने आप हो जाता है। इसी तरह 100 करोड़ रुपीज का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कन्वर्जेंस बिना स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक्स्ट्रा पैसा मांगे एक कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट किया गया, वो था एजुकेशन सिटी, जिसको आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो ये एजुकेशन सिटी एक साथ हमने प्रोजेक्ट किया, इसका मेन जो थीम था, इसके पीछे जो सोच थी कि एक डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्रिएट किया जाए, ट्राइबल पेरेंट्स को लगता है, ट्राइबल बच्चों को लगता है कि हर चीज मेरे से बहुत दूर है, तो एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी जाए, और उस सोच के साथ करीब 150 एकड़ एरिया में, 150 एकड़ एरिया में हमने एजुकेशन सिटी बनाया। इसमें अभी एज ऑन टूडे अराउंड 6500 बच्चे, 6500 बच्चे इनमें पढ़ाई करते हैं, और इसमें अलग अलग एजुकेशनल कैंपस हैं, 13 एजुकेशनल कैंपस हैं, उसमें नर्सरी से लेकर हर तरह की स्कूल, बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, सीबीएसई स्कूल, जो स्पोर्ट्स टैलेंट के लिए स्कूल, आईटीआई कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ऑडिटोरियम, बैंक बिल्डिंग, टीचर्स स्टाफ सबके लिए क्वार्टर, 6500 लोगों के लिए एक शहर सा वो बन गया। इसमें अराउंड आज की डेट 150 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जो कन्वर्जेंस से बिना स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बिना एक्स्ट्रा फंड मांगे इस प्रोजेक्ट को किया गया, जो लोकल लेवल कन्वर्जेंस एक विजन बेस्ड वर्किंग का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं इसको मानता हूँ। और इसमें आप अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स हैं इसमें देख सकते हैं, और इसको प्राइम मिनिस्टर साहब भी विजिट किए। आस्था है, ये जैसे आप देख रहे हैं रियल पिक्चर है, नाइट व्यू है आस्था कैंपस का, जो ऑर्फन बच्चे, वायलेंस अफेक्टेड ऑर्फन बच्चे, उनको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। सीबीएसई पैटर्न का स्कूल है ये, बहुत अच्छा कैंपस, वहाँ पे 1200 बच्चे हो गए हैं, उनके लिए क्वालिटेटिव प्रोजेक्ट यहाँ पे आस्था का चलता है। ये साइड व्यू है आस्था का, ये अंदर का व्यू है आस्था का, जीवन वह जो आस्था में हो। ये क्लासरूम्स हैं, पूरे स्मार्ट क्लासेस के साथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी आपको मिलेगी। ये आईटीआई कैंपस है, उनमें सोलर लाइटिंग होती थी। छूलो आसमान के गर्ल्स कैंपस बनाया गया, एक केजीबीवी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इसमें प्रारंभ किया गया, और इंडिया के बेस्ट केजीबीवी का इस दंतेवाड़ा के केजीबीवी को अवार्ड मिल चुका है। ये आईटीआई है उसी कैंपस में, बॉयज रेजिडेंशियल स्कूल है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसमें बीपीओ सेंटर भी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेंटर भी वहाँ 1000 बच्चों के लिए चलता था, स्पोर्ट्स टैलेंट के लिए है, ऑडिटोरियम है। एक देख सकते हैं एरियल व्यू है एजुकेशन सिटी दंतेवाड़ा का, ये 1/3 पार्ट को दिखा रहा है, ये जो लास्ट में दिखाई दे रहा है ये गेट है, उस वहां से चालू होता है, ये 1/3 पार्ट दिख रहा है, ये दूसरा 1/3 पार्ट दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन स्टेज में आज से 8 साल पहले के इमेजेस हैं, ये तीसरा फेज दिख रहा है। जब ये तीनों पिक्चर को आप मिलाएंगे तब एजुकेशन सिटी का कंप्लीट एरियल व्यू हो पाएगा। इस तरह से आउटडोर स्टेडियम वहाँ क्रिएट किया गया, जो एक बिल्कुल वर्ल्ड क्लास टाइप का फैसिलिटी है, एटलीस्ट नेशनल क्लास फैसिलिटी यू कैन से। ये ट्रांजिट हॉस्टल क्रिएट किया गया, क्योंकि अलग अलग तरह से आपको डॉक्टर्स, टीचर्स इन सबको लाना है, तो उनको अच्छे रहने की फैसिलिटी देना जरूरी था, इसलिए ट्रांजिट हॉस्टल क्रिएट किया गया इधर सीएसआर वगैरह से फंड जुगाड़ करके। एक क्वालिटी लाइफ वहां पे सबको मिल सके इसके लिए ओलंपिक स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल वहां पे क्रिएट किया गया।
ये देख सकते हैं बैडमिंटन कोर्ट वहां क्रिएट हुआ, इस तरह से हर तरह बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, क्लब, ट्रांजिट हॉस्टल, आउटडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, हर तरह की फैसिलिटी वहां क्रिएट की गई। क्योंकि अच्छा टीचर अगर आप आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल पढ़ाने के लिए चाहते हैं तो लाख दो लाख रुपए सैलरी तो वो लेगा, वो अलग चीज है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट था कि उसको अपना लाइफ स्टाइल मिले, उसको अपनी फैमिली के लिए एक फैसिलिटी मिल सके, ये उसकी कोशिश रहती थी। तो इसको मैं निश्चित रूप से प्राइड ऑफ नेशन कहूंगा, क्योंकि केम जी ने जो वर्ल्ड यूएस रेटिंग एजेंसी है उसने एजुकेशन सिटी को 2012 में वर्ल्ड के 100 इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिस्ट में शामिल किया था, जो हम सबके लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए और कंट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात थी, गर्व की बात थी, प्राइड की बात थी। एक लास्ट प्रोजेक्ट मैं बात करना चाहूंगा, लाइवलीहुड कॉलेज, जिसको बीबीसी ने गुजर बसर कॉलेज का नाम दिया था। आप जितने भी एजुकेशनल प्रोजेक्ट थे हमारे, उसमें आप ऐसा बच्चा जो कि थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास बाद एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन की बस को मिस कर चुका है, और ऐसा बच्चा ड्रॉप आउट हो के 20-22 साल की एज में आ गया, यूथ हो गया है, तो उसको तो हम ना नन्हे परिंदे से कवर कर सकते थे, ना रेसिडेंशियल स्कूल पोटा केबिन से कवर कर सकते थे, ना उसको छूलो आसमान से कवर कर सकते थे, ना एजुकेशन सिटी से कवर कर सकते थे। और ऐसे यूथ की बहुत बड़ी संख्या थी, इसलिए हमने एक कॉलेज प्लान किया जिसमें कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं थी, कंप्लीटली निःशुल्क कॉलेज था, बिना फीस का कॉलेज था, जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई अनपढ़ हो, फिफ्थ क्लास हो, एट्थ पास हो, टेंथ पास हो, कोई भी आकर अपना एडमिशन ले सकता था, और उसके इंटरेस्ट और योग्यता के हिसाब से उसको वोकेशनल कोर्स उसको कराए जाने का हमने प्लान किया, और उसके माध्यम से उसको एक मीनिंगफुल लाइफ हम दे सकें, उसके लिए हमने ये प्रयास किया गुजर बसर कॉलेज में। स्किल बेस्ड कॉलेज है बेसिकली, और इसमें अलग अलग फंड्स को हमने कन्वर्ज किया, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, CSSDM, छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, CSR, कॉर्पोरेट सक्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, IAP इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, BRGA बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, ये सब को हमने इंक्लूड किया। मोर ऑफ लेस यू कैन से ये सब टाइप ऑफ PPP मॉडल, जिसमें कॉलेज को रन करना, फंडिंग करना, सुपरविजन करना गवर्नमेंट एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और प्राइवेट प्लेयर्स को हम ट्रेनिंग और प्लेसमेंट पार्ट में इन्वॉल्व करते थे। एक साल में इस कॉलेज से करीब 2,500-3,000 बच्चे निकल सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है उसमें, और साल में 3 बैच हो जाते थे, तो सॉरी एट अ टाइम 1,000 की कैपेसिटी थी, और साल में 3 बैच निकलते थे, तो 3,000 यूथ एक कॉलेज से निकल जाते थे वोकेशनल ट्रेनिंग में। इसको मोदी जी ने भी विजिट किया, हमारे CM साहब उस समय के डॉक्टर रमन सिंह जी कई बार विजिट किए, और उन्होंने इस मॉडल को देखते ही उन्होंने स्टेट के सभी 27 डिस्ट्रिक्ट, उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में थे, उन सारे 27 डिस्ट्रिक्ट में लाइवलीहुड कॉलेज खोलने का डिक्लेरेशन किया, और मेरे को ही उसका नोडल बनाया गया। और मैं बताना चाहूंगा कि आज स्टेट में SPLC स्टेट प्रोजेक्ट लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी, SPLC सोसाइटी वर्क करती है, जिसको एक IAS हेड करता है, और हर डिस्ट्रिक्ट में DPLC सोसाइटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटीज, उसको कलेक्टर हेड करता है, और ये लाइवलीहुड कॉलेज छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बनते हैं, और इसको स्पेशल असिस्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उस समय इंश्योर किया गया, और करीब 200 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई, और स्टेट से भी फंड जोड़ा गया, और सभी डिस्ट्रिक्ट में आज की डेट में फंक्शनल है। और इसमें हर तरह के कोर्स हम लेते थे, जैसे नए मार्केट अपॉर्चुनिटीज जो डेवलप हो रहे हैं, जैसे शॉपिंग मॉल में सेल्स, रिटेल में काम करने वाले, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जॉब, एडवांस वेल्डिंग से रिलेटेड जॉब, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग से रिलेटेड जॉब, कंप्यूटर बेस्ड टैली के कोर्सेस, इस तरह कोर्सेस हम कराते थे ताकि बच्चों को कुछ काम मिल सके और उनका लाइफ एक मीनिंगफुल टर्न ले सके, ये कोशिश रहती थी। दूसरा एक इशू होता है कि वहाँ पे लोकल स्किल डेफिसिट रहता है, वहाँ का आपको टाइल्स लगाने वाला नहीं मिलेगा, AC ठीक करने वाला नहीं मिलेगा, टाटा स्काई को ठीक करने वाला नहीं मिलेगा, ट्रांसफार्मर ठीक करने वाला नहीं मिलेगा, प्लम्बर नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलेगा, तो ये सारे जो लोकल स्किल डेफिसिट था उसको भी एड्रेस किए, जिससे लोकल डेवलपमेंट प्रोसेस भी आगे बढ़ सका और साथ में वहाँ के लोकल लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट भी मिल सका। ये अपनी सोच थी, उस एक विजन था इसके पीछे। इस पूरे प्रोसेस में अलग अलग तरह के स्टेक नहीं जाएगा, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया गया। लास्ट में मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, इन प्रोजेक्ट्स को समअप करते हुए इतना ही बोलना चाहूंगा कि जहां तक हम एक्सट्रीमिज्म के प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो यह एक जनरेशनल प्रॉब्लम है, मतलब एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है, इसको हम एक दिन के प्रॉब्लम के रूप में नहीं देख सकते। उस सोसाइटी में बेसिक सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस लाने
परमानेंट सॉल्यूशन के लिए बेहद जरूरी है। और ये जो वार है ये जनरेशन की वार है। आने वाला जनरेशन जितना मीनिंगफुल होगा, जितना एजुकेशन उसको मिलेगा, जितना एक्सपोजर उसको मिलेगा, उसका जितना इम्पावरमेंट होगा और उसमें जितनी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डेवलप होगी, वो उतना बेटर ह्यूमन बीइंग के रूप में आगे बढ़कर काम कर पाएगा और स्टेट और कंट्री के डेवलपमेंट में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में उतना पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर पाएगा। बट अगर जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि अराउंड आधी जनरेशन 50% बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे, आधी जनरेशन एजुकेशन के मेन स्ट्रीम से ही बाहर रहेगा, तो हम एक कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी को वहां पे कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकते। तो एक जनरेशन को कैसे बेहतर करें उसकी एक लड़ाई है और सरकार को पॉलिसी मेकर्स के लिए एक चैलेंज है कि हम एक पूरा ह्यूमन रिसोर्स की मैपिंग करें। कितने बच्चे अभी छोटे हैं, कितने बच्चे प्राइमरी स्कूल लेवल पे हैं, कितने बच्चे हाई स्कूल लेवल पे हैं, कितने बच्चे उससे आगे बढ़ गए हैं, और उनको हम प्रॉपर कितने को इंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, कितने को लोकल स्किल डेफिसिट को एड्रेस करने के लिए स्किलफुल बनाएंगे, कितने को नर्सिंग कोर्स करा सकते हैं, कितने को इंजीनियर बना सकते हैं, कितने को सेल्फ एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, लोकल वहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर बेस किस तरह से वर्किंग को आगे बढ़ा सकते हैं, एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ले जाकर किस तरह से लोगों को इंगेज कर सकते हैं। इस तरह से कंप्लीट ह्यूमन रिसोर्स मैपिंग करनी पड़ेगी, तभी उस एरिया को, उस सोसाइटी को हम कंस्ट्रक्टिव रूप में आगे ले जा सकते हैं। दूसरा चीज मैं कहूँगा, निश्चित रूप से सोशियो इकोनॉमिक एक फाइट तो है, उसको परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमको उसको एड्रेस करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम लैंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फोर्स का वहां पे इंपॉर्टेंस यही है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे, लैंड ऑर्डर के सिचुएशन को क्रिएट करे जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव किया जा सके, पब्लिक पोस्ट को सेव किया जा सके। अगर कलेक्टर ही किडनैप हो जाएगा तो कहाँ का फिर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आएंगे। तो ये सब चीजें भी समझना बेहद जरूरी है। इसलिए डेवलपमेंट प्रोसेस को इनहेंस करने के लिए, इंश्योर करने के लिए फोर्स का इम्पोर्टेंस भी वहां पे जरूर है। और एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब तक उस सोसाइटी का इम्पावरमेंट नहीं होगा, उनकी अपनी आवाज नहीं होगी, वो अपना डिसीजन जब तक खुद नहीं ले पाएंगे, तब तक दिल्ली और रायपुर के लोग उनका रिप्रेजेंटेशन करते रहेंगे जैसे कि करते रहते हैं आप देखते हो, तो वो संभव नहीं है। और मेरा ये कहना है कि उनका जिस दिन इम्पावरमेंट हो पाएगा तो वो लोग मुझे भी सवाल करेंगे। अगर मैं एक सिस्टम में कलेक्टर हूँ तो मुझे भी सवाल करेंगे कि हमारा सड़क क्यों नहीं बना, हमारी स्कूल क्यों टूट गई। सीएम को भी सवाल करेंगे कि हमारे इतने सालों तक बिजली क्यों नहीं आई, इतने सालों तक ब्रिज क्यों नहीं बना। बट एट द सेम टाइम वो कोई आइडियोलॉजी आएगा, कोई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट आएगा, उसको भी सवालों का सामना करना पड़ेगा। तो उस सोसाइटी को हम एजुकेट करें, उनको सवाल करने लायक बनाएं, और उसका सवाल का जवाब देने के लिए सिस्टम को भी तैयार होना पड़ेगा और एक एक्सट्रीमिस्ट को भी तैयार होना पड़ेगा, तब उस सोसाइटी का एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन हो सकता है। और मेरा मानना है कि जिस दिन वो सोसाइटी एजुकेशन आ जाएगी, वहाँ एक्सपोजर आ जाएगा, वहाँ वाइबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सोसाइटी वायलेंस के रास्ते को पिक नहीं करता है। वहां पे हो सकता है कि आइडियोलॉजी कोई उनका डिफर करे, लेकिन आइडियोलॉजी डिफर करने के बाद भी वहां पे वायलेंस का सिचुएशन नहीं होगा और वो सोसाइटी एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में आगे बढ़ सकेगी। ये मेरा पॉइंट है। इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि उस सोसाइटी को आवाज देना जरूरी है, उस सोसाइटी में इम्पावरमेंट लाना जरूरी है, ताकि लोग खुद इम्पावर होकर, बस्तर के लोग अपने फ्यूचर का खुद डिसीजन ले सकें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके लिए एजुकेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मुझे बहुत सारे फोरम में पूछा गया कि जो कहा गया कि एजुकेशन को आप टूल के तरह नक्सलिज्म को किल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, मैं कहना चाहूंगा कि एजुकेशन देना, एजुकेशन लेना हर सोसाइटी के हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है, और हर सिस्टम का, हर एडमिनिस्ट्रेशन का, हर कलेक्टर का, हर सीएम का, हर पीएम का फंडामेंटल ड्यूटी है। और वो एजुकेशन जब हम देंगे तब उसका एक एक्चुअल ग्रोथ होगा, और वो सवाल सबको करेगा, वो आइडियोलॉजी को भी सवाल करेगा, एक्सट्रीमिस्ट को भी सवाल करेगा, सिस्टम को भी सवाल करेगा, तभी वो सोसाइटी एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में जा सकता है। ये मेरा स्ट्रांग बिलीफ है। हाँ, उनके एजुकेशन में उनके लोकल कल्चरल एस्पेक्ट को लाना, लोकल गुंडी हल्बी को लाना, उनके उनके गीत नृत्य को लाना बेहद जरूरी है, ताकि वो आगे भी बढ़ सके, उसमें उस सोसाइटी में एक जान आ सके, उसमें उसके कल्चरल एस्पेक्ट भी जिंदा रहे, वो सर पे सिंह भी लगाए बट साथ में डॉक्टर बन के अप्रेन भी पहने। ये मेरा विजन है बस्तर को लेकर, और मैं उसी डायरेक्शन में काम करने की कोशिश करता हूँ। बिग डिबेट्स कभी और बात करेंगे, और दैट इज माय पॉइंट। ये मेरे लाइन है कि एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट एंड इट शुड बी अवेलेबल टू ऑल बियॉन्ड आइडियोलॉजिकल क्लासेस। ये मेरा पॉइंट है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही इंस्पिरेशनल सेशन था, और चैट्स में आप देख भी सकते हैं सब डेलीगेट्स के रिएक्शन।
थैंक यू सो मच सर जी सर। तो क्योंकि समय कम है इसलिए पहले हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर उसके बीच में आप अपने एक्सपीरियंसेस और पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा शेयर करिएगा। सबसे पहले लोगों को इनवाइट करूंगा फर्स्ट राउंड में, अनुराग फॉलोड बाय विनय फॉलोड बाय दृष्टि। हेलो हेलो या सुनाई दे रहे ओपी सर, मैं आपको उन दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ जब आप एक बार बता रहे थे कि आप AK-47 लेके पलंग के नीचे सोते थे बस्तर में ही। और मैं उन जिलों में भी रहा हूँ, आपके बगल के जिलों से भी हूँ जहाँ आप कलेक्टर रहे हैं, जांजगीर चांपा से हूँ मैं। ओके ग्रेट। मेरा तो पॉलिसी से हटके एक क्वेश्चन है सर, पिछले साल आपने पहली बार चुनाव लड़ा और वो भी खरसिया जैसे लड़ा जो बहुत स्ट्रांग होल्ड है कांग्रेस का। मैं जानना चाहता हूँ कि एक लड़का जो राजनीति से अलग है, हालांकि आपकी बहुत पहचान थी, आप बंद कमरों वाले कलेक्टर तो नहीं थे कहीं पे, लेकिन वो लड़का जो राजनीति से दूर था, जब वो पहली बार चुनाव में आता है तो उसको कैसा रिएक्शन मिलता है उन लोगों से जो एक पॉलिटिकल सेटअप में है ऑलरेडी, उनको उसको क्या परेशानियां होती हैं, वो कैसे उस प्रोसेस में खुद को नेविगेट करता है चीजों को। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का चुनाव, आप हारे बहुत, मार्जिन आपने बहुत कम कर दिया उतनी बड़ी सीट का, लेकिन फिर भी, तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो एक्चुअली पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट गेम, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा, बट आपकी आइडेंटिटी होती है, आपका एक गुडविल होता है, आपका एक अच्छा फेस होता है, तो उसका बहुत बड़ा फायदा भी मिलता है। क्योंकि कोई पॉलिटिशियन जो नीचे से स्ट्रगल करते शुरू से आता है, उसको अपॉर्चुनिटी तो तब मिलती है जब वो MLA बनता है, तो कुछ हद तक उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट रियल इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी डिसीजंस लेकर चीजों को एग्जीक्यूट करने का जो पॉलिटिक्स में रियल पावर है, वो मिनिस्टर कोई बनता है तब उसको चालू होता है एक्चुअल सेंस में, अदरवाइज पॉलिटिक्स का एक डिफरेंट नेचर होता है, तो इसलिए उसकी आइडेंटिटी उस तरह से नहीं बन पाती। बट आप एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा काम करते हो 10-15 साल, तो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, लोगों को टेस्ट करना बाकी नहीं रह जाता, तो उस दृष्टिकोण से आपको बहुत फायदा भी मिलता है। और निश्चित रूप से पॉलिटिक्स इज लाइक पॉलिटिक्स ओनली, पॉलिटिक्स में बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं और उसको हम सबको फेस करना भी पड़ता है, बट आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरू से मेरे को ये सब चीजों की थोड़ी समझ तो थी कि ये सब फेस करना होगा। और एक्चुअली मुझे लगता है कि इंडियन डेमोक्रेसी में हम पॉलिटिक्स को कितना भी अच्छा बोलें, बुरा बोलें, कोई नाली बोले, कोई कीचड़ बोले, कुछ भी बोले, लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में अगर बिग चेंजेस लाने हैं तो पॉलिटिक्स ही सबसे बड़ा जरिया है। हम उसको अच्छा बोलें या बुरा बोलें, लाइक करें या डिसलाइक करें, इट डजंट मैटर, बट इंडिया के डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा चेंजेस, बिग चेंजेस थ्रू पॉलिटिक्स हम ला सकते हैं, ये मेरा स्ट्रांग बिलीफ है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पॉलिटिक्स को हमेशा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, पॉलिटिक्स राम जी की फिलॉसफी से नहीं चल सकता, पॉलिटिक्स के लिए कृष्णा बनना पड़ता है, तो इट्स इंपॉर्टेंट, बट करना तो पड़ेगा ही। जब तक हम लोग उसको बाहर से सिस्टम में बाहर से उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, गाली देते रहेंगे पॉलिटिक्स को, तब तक हम कोई कंस्ट्रक्टिव तो कर नहीं रहे। अगर नाली को साफ करना है तो हमको नाली में उतरना पड़ेगा, तो इस सोच के साथ हमको आना पड़ता है। रहा सवाल मेरे पॉलिटिक्स में एंट्री का, तो मैं इस सोच के साथ काम करता हूं, इसलिए मुझे लगा कि पॉलिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी, इसलिए मैं इसका हिस्सा बनने का डिसीजन लिया। और मुझे लगता है कि खुल के आप अपने टाइम को ज्यादा लिबर्टी के साथ पॉलिटिक्स में यूज कर पाते हो, इसलिए आई एम मच 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 हैप्पियर इन पॉलिटिक्स आज की डेट में भी। और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, रियल में आप कैलिबर रखते हो, चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हो, एक विजन रखते हो, तो मुझे लगता है कि एक जीत या हार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। इसलिए मैं खरसिया में भी चला गया जहां आजादी के बाद से भारतीय जनता पार्टी एक भी बार नहीं जीत पाई है, और जो हार का मार्जिन है वो हर चुनाव दर चुनाव बढ़ता गया है, लेकिन फिर भी मेरे को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और जब भी चैलेंज लेना है लाइफ में तो बड़े चैलेंजेस ही हमको लेने चाहिए, मैं इस चीज का स्ट्रांग बिलीवर हूँ। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खरसिया पार्टी ने मुझे कहा तो मैं वहां भी चुनाव लड़ने के लिए गया, और आई एम रियली हैप्पी इन पॉलिटिक्स, और जब भी मौका मिले तो कुछ अच्छा बड़ा करने के सोचना चाहिए, करने की कोशिश करें जी। अगला क्वेश्चन विनय से। या विनय गुड इवनिंग सर, काफी ज्यादा अच्छा और काफी मतलब इंस्पायरिंग सेशन था आपका। और सर मतलब मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं मैं भी कि एजुकेशन से ही आप सोसाइटी में इंपैक्ट ला सकते हो, और
मैं सर एक्चुअली नवोदय का एलम हूँ, आई मीन मैंने भी 6 to 12 नवोदय से ही पढ़ाया और मुझे लगता है कि वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म था जिसकी वजह से मैं आज IIT दिल्ली से भी टेक कर रहा हूँ। और सर इसके अलावा मेरा जो जस्ट अ पॉइंट आज तक मैं किसी भी ग्रुप में पूछा हूँ, जैसे 100 लोग हो, चाहे IAS की ट्रेनिंग अकेडमी लवासना मसूरी हो, चाहे कोई IIT का फोरम हो, चाहे कोई एम्स हो, कहीं भी मैंने पूछा है कि आप में 100 लोग अगर हो किसी अच्छी जगह पे, वहां पूछा है कि नवोदय से अगर कोई है, कोई है तो हमेशा 4, 6, 10 हाथ जरूर उठते हैं। यस सर, मतलब नवोदय मतलब काफी ज्यादा एजुकेशन के क्षेत्र में काफी किया, मतलब ये तो मैं हमेशा रेडी रहूंगा उस संस्था का। जी तो सर मेरा एक सवाल ये था कि जैसे आपने कहा कि आप ऐसा एजुकेशन चाहते हैं कि जिससे जो ट्राइबल एरिया है वो सिंह भी लगाए और डॉक्टर का एप्रन भी पहने, तो मैं वही पूछना चाहता था कि इसके लिए आप लोग ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए थे, आई मीन कैसे आपने बैलेंस किया कि कल्चरल एस्पेक्ट भी रहे और मॉडर्न एजुकेशन वो नहीं मिले, इसके लिए क्या क्या आपने इनिशिएटिव है? विनय देखो क्या है कि बतौर कलेक्टर जब आप 2 साल किसी बिग चेंज के लिए काम करते हो तो आपके पोस्ट का भी एक लिमिटेशन होता है, कलेक्टर एक लिमिट तक चेंज ला सकता है और 2 साल टाइम का भी एक लिमिटेशन होता है। तो उस 2 साल का जो टाइम पीरियड, 2-2.5 साल का जो मेरे पास टाइम पीरियड दंतेवाड़ा बस्तर में था, उसमें मैंने दोनों चीजों को करने की कोशिश की। जैसे मैंने बताया कि लोकल डायलेक्ट को हमने हमने अल्फाबेट्स तैयार किया, आक मतलब पत्ता, इत्ता, इरू, इमली एंड ऑल, तो वो सब चीजें करने की कोशिश की। जो मैंने समर वेकेशन, विंटर वेकेशन की बात करी, उनमें उनके लोकल डायलेक्ट, लोकल सॉन्ग, लोकल गोंडी हल्बी, उनको इम्बाइब करने की कोशिश की। बट मुझे लगता है कि इस पे बहुत ही बड़े पॉलिसी रिसर्च की जरूरत है, बहुत बड़े विजन की जरूरत है, और उस विजन, उस सोच के साथ जब काम होगा, बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट बड़े बड़े बनाए जाने की जरूरत है, ताकि एक ऐसा एजुकेशन मॉडल क्रिएट किया जा सके जो, यार अब मैकाले के एजुकेशन पद्धति को हम लोग ढो रहे हैं, तो हम तो प्लेन एरिया का रायपुर दिल्ली का बच्चा भी उस मैकाले के एजुकेशन सिस्टम का मारा हुआ है, तो बस्तर का बच्चा जब उसकी मैकाले के एजुकेशन सिस्टम की मार पड़ेगी तो उसके तो अपने प्रॉब्लम रहेंगे ही रहेंगे और ज्यादा बड़े प्रॉब्लम रहेंगे बेचारे के पास। तो वो तो पूरे होल एजुकेशन पॉलिसी के लिए चैलेंज है और बस्तर के बच्चे के लिए और बड़ा चैलेंज है। तो मुझे लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ करने की जरूरत है। ये मैकाले मॉडल को जितना जल्दी हम छोड़कर आगे बढ़ें, हम दुर्भाग्य की बात है कि इतने डिकेड्स बीतने के बाद भी हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं वही जकड़ा हुआ है। मतलब आई एम रियली मतलब बहुत बुरा भी लगता है, ऑल्दो इस एजुकेशन सिस्टम ने बहुत कुछ इस कंट्री को दिया भी है, इस बात की मैं इनकार नहीं करता। और मैं जिस तरह की परिस्थिति से आया, मैं 8 साल की एज में मेरे पापा का, बाबूजी का डेथ हो गया था, जो प्राइमरी स्कूल में एक टीचर थे, मेरी माँ 4th class पढ़ी हुई हैं, मैं 12th to 12th class तक गांव के छोटे छोटे स्कूलों में 1500, 1200, 800 की आबादी वाले गांव की स्कूलों में पढ़ाई किया। जब 6th class में मैं पढ़ता था तो वहां पे खपरेल की स्कूल होती थी और पानी चूदने लग जाता था बारिश होते ही, और छुट्टी हो जाती थी तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, कभी पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं बने तो अच्छा ही लगता था। जहां मैं हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ा, जब 12th class में मैं पढ़ता था तो पूरे हमारे स्कूल में एक लेक्चरर थे केवल इंग्लिश के, न हिंदी के लेक्चरर, न मैथ्स के लेक्चरर, न फिजिक्स के लेक्चरर, न केमिस्ट्री के लेक्चरर, न बायोलॉजी के लेक्चरर, केवल एक लेक्चरर थे इंग्लिश के। और जब हम लोग 12th class में पढ़ते थे तो मैथ्स की पूरे साल में 4 class हुई थी। वैसे सिनारियो, 6th class में मैंने ABCD पढ़ी अंग्रेजी की, वैसे सिनारियो से मैं निकला और वहां से निकल कर मैं अगर IAS बन पाया वन ऑफ द यंगेस्ट एज में इंडिया में, तो इसी एजुकेशन सिस्टम ने बनाया मैं ये बोलूंगा। और एजुकेशन ही सबसे बड़ा चेंज लाता है सोसाइटी में भी, कंट्री में भी, और किसी इंडिविजुअल की लाइफ में भी। तो मैं अपने खुद के लाइफ में जो चेंज आया उसके लिए एकमात्र अगर कोई कारण था तो एजुकेशन ही था। तो आई एम स्ट्रांग बिलीवर ऑफ दिस थिंग कि एजुकेशन होना चाहिए, बेस्ट मॉडल एजुकेशन का होना चाहिए, तो बहुत रिसर्च किया जाना चाहिए, उसके R&D पे बहुत खर्च किए जाने चाहिए और एक बेस्ट मॉडल क्रिएट करना चाहिए जिससे न केवल हम नेशनल बल्कि जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, हमारे पास आज 65% जो यूथ है वो बिलो 35 इयर्स की एज का है, हमारे पास 50% जो यूथ है वो बिलो 25 इयर्स की एज का है, हमारी एवरेज 29 इयर्स है जबकि जापान की 47, यूरोप की 46 है। ऐसे सिनारियों में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को अगर कोई टैप कर सकता है तो इंडिया ही कर सकता है क्योंकि इंडिया के पास यूथ पॉपुलेशन है। इस दृष्टिकोण से ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को टैप करने के हिसाब से हमारा एजुकेशन मॉडल जल्दी से जल्दी खड़ा होना चाहिए और इस दिशा में जितनी जल्दी और जितना बड़ा काम होगा हम ग्लोबल पावर बनने के डायरेक्शन में उतने तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सर, दृष्टि। नमस्ते सर जी। नमस्ते,
मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ एंड यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू. तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. जैसे आपने बताया कि आपने रेजिडेंशियल स्कूल्स बफर एरियाज में डिजाइन किए एंड उससे पहले 86 स्कूल्स वर ब्लास्टेड, 20-30% वर डिस्ट्रॉयड. तो अभी आपने सिक्योरिटी सिस्टम कैसे डिजाइन किया, बिकॉज़ सिंस दे वर वेरी क्लोज बाय टू द एरियाज दैट वर मेजॉरिटी ऑफ नक्सलाइट्स वर रेजिडिंग ओवर देयर. या मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो डायरेक्ट लोकल लोगों से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं. तो कोई भी चीज अगर आप पॉलिसी लेवल पे इस तरह से चलते हो कि लोकल सोसाइटी उसको अप्रिशिएट करने लगे तो एक्सट्रीमिस्ट भी उसको टारगेट नहीं कर सकते हैं. ये मैं प्रैक्टिकली वहां पे बिलीव किया है, देखा है. शुरू शुरू में कंस्ट्रक्शन में जरूर इशू आते थे. जैसे पक्का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो कई जगह ऑब्जेक्शन आता था कि मतलब फोर्स जब अंदर के एरिया में इंटीरियर एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया में अगर आप पक्का स्लैब वाला स्ट्रक्चर बना रहे हो तो कई बार वो लोग ऑब्जेक्ट करते थे कि इसमें फोर्स आएगी ऑपरेशन करने और यहाँ रात में रुकेगी. इस तरह की चीजें, कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता बट इनडायरेक्ट मैसेजेस एक वेव से मिल जाते हैं. तो वहां पे हमने पक्का कंस्ट्रक्शन को छोड़ दिया. वहां पे बैम्बू बेस्ड स्ट्रक्चर जो पोटा केबिन मैंने बताया, प्रोसेस बैम्बू की स्ट्रक्चर बनाए, पक्का स्लैब स्ट्रक्चर नहीं बनाए. तो इस तरह से हमने कुछ कुछ कंप्रो किया. बट एक बार जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हो जाता है, बच्चे वहां पे कंस्ट्रक्टिवली पढ़ने लगते हैं और लोकल कम्युनिटी का जब वहां पे कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट मिलने लगता है तो कोई एक्सट्रीमिस्ट भी उसको टारगेट नहीं करता है. ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है और ये ऐसा ही हुआ. और वहां पे सक्सेसफुली अंदर से अंदर गांव में भी ये रेसिडेंशियल स्कूल्स बड़े सक्सेसफुली फंक्शन कर रहे हैं. थैंक यू सो मच सर. थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं हम सेशन 10-15 मिनट, क्योंकि मुझे कोई इशू नहीं है, आई एम फ्री. थैंक यू सर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट राउंड के लिए पलक, फॉलोड बाय इरम, फॉलोड बाय दीपमाला. हाय सर, पलक, मैं मुंबई से हूँ और मैं यूथ एंगेजमेंट में ही काम कर रही हूँ और वोकेशनल कोर्सेज में. सर, मेरा क्वेश्चन था कि इनिशियली आपने जब शुरू किया कितना डिफिकल्ट हुआ रहेगा बच्चों को और उनके पेरेंट्स को प्रोत्साहन करने के लिए कि वो स्कूल आए, तो अगर आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा. जी देखो, शुरू में क्या होता है, ऐसे सोसाइटी में जब इंसर्जेंसी रहती है तो एक ट्रस्ट का डेफिसिट रहता है पेरेंट्स में भी, लोकल कम्युनिटी में भी, और हर तरफ लोगों को लगता है कि जो गन है वो कहीं भी आकर चल सकता है, एक्सट्रीमिस्ट साइड से भी चल सकता है, फोर्स साइड से भी चल सकता है. इसलिए जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटी होती है, लोकल जो गांव होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो एक ट्रस्ट डेफिसिट्स के दौर से गुजर रहे होते हैं. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है शुरू में कि हम उनके ट्रस्ट को कैसे कम कर सकें, ट्रस्ट को हम कैसे डेवलप कर सकें और उनको अपने प्रोजेक्ट का कैसे हम हिस्सा बना सकें, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है. तो ऐसे सिनारियों में सबसे पहले जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी एक स्लाइड डाला था कि जो लोकल ट्राइबल यूथ है उनको इनरोलमेंट में हमने इंगेज किया अनुदेशक के रूप में. जो ट्राइबल लोकल लड़कियां थी, लड़के थे, उनको इंगेज किए जो जाके पेरेंट्स से गोंडी हल्बी में बात कर सकते हैं. सबसे बड़ा चीज तो जो सबसे बड़ा जो जो प्रॉब्लम आता है वो एक कम्युनिकेशन का आता है. आपके जैसे ही आप मतलब आपके जीन्स टी शर्ट और आपके जो लुक है, जो आउटर वर्ल्ड वाला लुक है, उसको ही देखते ही वहां का जो लोकल गांव वाला इंटीरियर एरिया का ट्राइबल भाई बहन है, जो पेरेंट्स हैं, वो ऐसे ही एक डिस्टेंस फील करने लगते हैं, जस्ट लाइक फॉरेनर टाइप फील करते होंगे शायद, अपनी साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, तो वैसे फील करने लगते हैं. दूसरा प्रॉब्लम आता है कि हम लोकल उनके डायलेक्ट में गोंडी हल्बी में बात नहीं कर पाते हैं उनसे, तो ये सब प्रॉब्लम आते हैं. इसलिए हमने लोकल ट्राइबल यूथ को इंगेज किया, वो लोग जाकर गोंडी हल्बी में बात करते थे. जो हाट बाजार होते हैं ट्राइबल कल्चर में उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, वहां पे जाकर अपना कैंप लगाते थे, छोटे छोटे ऑडियो सॉन्ग वीडियोस हम डेवलप किए थे गोंडी हल्बी में जिसमें उसके बारे में बताया जाता था. तो शुरू में उनको जब पता चला तो धीरे धीरे कुछ आसपास के गांव वाले भेजने लगे, फिर दूसरों को पता चलने लगता है तो उसको देख करके दूसरे बच्चे आते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि समर वेकेशन में हमने हर बच्चे को टारगेट दिया था कि तुम अपने साथ एक और बच्चा लेकर आना, तो वो बच्चा टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसका स्टडी किया था कि वो मतलब कैसे बच्चे को दूसरे बच्चे को कन्विंस करता है गांव में जाता है, तो उनके कम्युनिकेशन को भी उन्होंने मतलब ऑब्जर्व किया था.
तो एक बच्चा बोलता है कि दूसरे बच्चे को कि तू भी चल, मैं पोटा केबिन रेसिडेंशियल स्कूल में आस्था जो गुरुकुल में पढ़ता हूँ, तू भी पढ़ने चल। तो पूछता है कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सेना वाले तो नहीं आते, वहाँ पे फोर्स वाले पुलिस तो नहीं आती, वहाँ पे दादा लोग तो नहीं आते। इस तरह के उसके मन में डाउट रहता है घर से गांव से बाहर जाने में, वहाँ पे गोलियां तो नहीं चलती, इस तरह के सवाल करता है। तो दूसरा बोलता है नहीं नहीं वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे तो टीवी चलती है, वहाँ पे म्यूजिक चलता है, हम डांस करते हैं, वहाँ हम पेंटिंग करते हैं, हम मूर्ति बनाते हैं, हम मिट्टी के मड के हम वहाँ पे आर्ट बनाते हैं, इस तरह की वो बात करता है। तो उसको भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। फिर वो दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर गांव से 5 बच्चे आते हैं तो 50 बच्चों को पता चलता है। तो एक साइकिल होता है, शुरू में 1-2 महीना 4 महीना 6 महीना तक इसमें डिफिकल्टी थी, बट एक बार जब उसका रेपुटेशन जब इस्टेब्लिश हो गया, तो मैंने ये देखा है कि जो लोकल हाट बाजार होते हैं कई गांव में, इंटीरियर के कई गांव में जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो बच्चों को बाहर के पोटा केबिन स्कूलों में भेजने से भी मना करते हैं। इस तरह का भी सिनारियो रहता है। तो लोकल मदर जो लोकल कम्युनिटी की माँ होती है, वो अपने बच्चे को हाट बाजार के दिन बच्चे को लेके आते हैं, झोला उसका थोड़ा सा पैक करके रख देते हैं, उसको पोटा केबिन के गेट पे छोड़कर भी चले जाते थे। बहुत अंदर के कुछ एक्सेप्शनल पोटा केबिन की मैं बात बता रहा हूँ। मैंने ये रियलाइज किया कि 6 महीना साल भर बाद हर ट्राइबल पेरेंट अपने बच्चे को चाहे आस्था गुरुकुल में, चाहे एजुकेशन सिटी में, वहां एडमिशन नहीं मिल रहा है तो किसी पोटा केबिन में, किसी रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने की पूरी कोशिश करता है। मैंने ये रियलाइज किया कि जितने अवेयर दिल्ली बॉम्बे या रायपुर में हमारे इस सिविलाइज या जो सो कॉल्ड डेवलप्ड सोसाइटी के जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे को फ्यूचर को लेकर जितने जितने अवेयर रहते हैं, उनके उस सोसाइटी के लिहाज से, बस्तर दंतेवाड़ा सोसाइटी के लिहाज से, वहां के पेरेंट्स भी उतने ही अवेयर होते हैं, वो भी अपने बच्चे को बेस्ट फ्यूचर देना चाहते हैं। ये चीज मैंने रियलाइज किया। बस शुरू में एक ट्रस्ट डेफिसिट जो होता है उसको बस खत्म करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। या थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इरम। इरम Okay. It seems that Iram is not able to connect. So we'll give chance to the Vaishnavi first. Yeah. Vaishnavi. Hello. Yeah, Vaishnavi, please. Hello. Ji, ji, continue. Yes, sir. Namaste, sir. Ji, namaste, Vaishnavi. Please continue. हाँ, sir, मैं Vaishnavi हूँ, तो मैं औरंगाबाद बिहार से हूँ। तो मेरा रीजन भी एक रेड कॉरिडोर रीजन है जी। पर यहाँ पे जो नक्सलिज्म है ये एक रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, ये सीजनल फेनोमेना है। जैसे सीजनल एग्रीकल्चर होता है वैसे ही ये सीजनल फेनोमेना है। पहली बात तो ये इतना वो लोग इतने कॉमन पीपल में ही वो मर्ज्ड रहते हैं कि पता नहीं चलता है कौन नक्सलाइट है और कौन कॉमन मैन है। तो मुझे भी पहले नहीं पता था कि मेरा रीजन रेड कॉरिडोर रीजन है। तो ये सीजनल बेसिस पे जो नक्सलिज्म होता है, तो ये अब एक अपने आइडियोलॉजी या आइडेंटिटी के लिए नहीं, ये मॉनेटरी बेसिस पे ज्यादा होता है और किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी सिस्टम के ही किसी लोगों के राइट हैंड की तरह यूज किया जाता है। तो इस एजुकेशन तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, पर वो नेक्स्ट जनरेशन पे इफेक्ट करेगा। तो इस जनरेशन में जो ये सभी चीजें हो रही हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? जैसे कहते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए पर मैं गोली भी नहीं खाना चाहता, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? हाँ, एक्चुअली देखो, प्रेजेंट सिनारियो में एज ऑन टुडे जो रिएक्शन है वो तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह ही करना पड़ेगा। अल्टीमेटली वी नीड फोर्स टू कंट्रोल देम, उनको हम कंट्रोल कर सकें, उस हिसाब से फोर्स जरूरी है। उसको एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह ही हैंडल करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली, तभी उसको एज ऑन टूडे हैंडल किया जा सकता है। और मैंने पहले ही बोला कि ये जो एजुकेशन है, जो सोशियो इकोनॉमिक सॉल्यूशन है, पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है, वो लॉन्ग टर्म परमानेंट सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। बट शॉर्ट टर्म में मतलब एज ऑन टूडे तो हमको एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह ही देखना पड़ेगा। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हमको वहाँ पे डेवलपमेंट के सिचुएशन को इंश्योर करना पड़ेगा, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा
जिसमें सब थोड़ा सेफ फील कर सकें और सेफ फील करने के साथ साथ थोड़ा डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पे एक पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट किया जा सके। बट मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो बिहार का नक्सलिज्म है जितना मैं समझा पढ़ा हूँ और जो बस्तर का नक्सलिज्म है दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और जैसे MCC का जो आपका जो नक्सलिज्म है उसका बेस MCC है और जो बस्तर का नक्सलिज्म है वो आंध्रा तेलंगाना वाला जो PWG पीपल्स वार ग्रुप का जो नक्सलिज्म स्ट्रेटजी और टेक्टिक्स है उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, उससे ज़्यादा कनेक्टेड है। तो वैसे सिनारियों में दोनों की टेक्टिक्स में काफ़ी डिफरेंस है। बिहार की ज्योग्राफी और बस्तर की ज्योग्राफी टोपोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार में और बस्तर के सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बट एट द सेम टाइम जैसे मैं बोलूँ कि एक्सपोजर बस्तर में बिल्कुल नहीं है लेकिन बिहार की सोसाइटी में एक्सपोजर है। बट साथ में मैं बोलना चाहूँगा कि जो प्रॉब्लम बस्तर में नहीं है, मैंने बोला कि लैंड का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, वो बस्तर के ट्राइबल सोसाइटी में नहीं है। बट आप देखेंगे कि बिहार के सोसाइटी में कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन और जो लैंड का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए और जो एक अलग ही लेवल प्रॉब्लम का नेचर बिल्कुल अलग है, वहाँ भी गरीबी यहाँ भी गरीबी है। बट बस्तर का गरीब को उस तरह से गरीबी फील नहीं होता, बट जो आउटर वर्ल्ड से एक्सपोज्ड है जैसे बिहार में या उत्तर प्रदेश, वहाँ जो गरीब है उसको हर चीज फील होगा। तो देयर इज मतलब दोनों की साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बट मैं वही बोलना चाहूँगा कि जो जहाँ पे एक्सपोजर है और जहाँ पे केवल गन के ग्लैमर के कारण जो नक्सलिज्म पनपा है, वहाँ पे उसको टैकल करना, वहाँ पे उसको हैंडल करना बहुत कंपैरेटिवली आसान है। और जहाँ पे टोपोग्राफी ज्योग्राफी कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पे मतलब सिचुएशन ज़्यादा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक बस्तर टोपोग्राफी वाइज, लैंग्वेज वाइज, लोकल डायलेक्ट वाइज, वहाँ पे टोटली डिफरेंट है। तो दोनों का नेचर काफ़ी डिफरेंट है। बट शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट फ्रेमवर्क में वर्क होना चाहिए। थैंक यू। ओके इज ओके दीपमाला हियर, दीपमाला? या आई एम हियर, आई एम हियर। नमस्ते ओपी जी। जी नमस्ते दीपमाला जी, प्लीज कंटिन्यू। ओपी जी, मैंने ये क्वेश्चन काफ़ी एमिनेंट पर्सनालिटी से पूछा है लेकिन कभी मुझे एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आया था। पर आप जैसे आपने ग्रास रूट लेवल चेंज लाया तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैं मणिपुर स्टेट से बिलोंग करती हूँ। ओके तो जैसे कि आप जानते हैं जैसे छत्तीसगढ़ का है वहाँ पे मणिपुर में भी इंसर्जेंसी अपने इंडिया के नेशनल फ्रंट में काफ़ी एक बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। तो वहाँ पे सर मैं ऐसे जगह से आ रही हूँ जहाँ पे अभी भी मेरे घर पे अंडरग्राउंड बंकर्स बने हुए हैं। आए दिन वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है मेरे घर के मेन गेट पे। और लेकिन ये सब जो इश्यूज है वो नेशनल जो अटेंशन से काफ़ी दूर है ये सब। और वहाँ पे डेवलपमेंटल चीज़ें अगर लाने भी चाहें तो वहाँ पे अटैक हो जाता है या अबडक्शन हो जाता है। तो ये सब एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है वहाँ पे। तो मतलब अगर कोई ग्राउंड लेवल चेंज भी लाना चाहता है, जैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स काफ़ी करते हैं वहाँ पे चेंज लाने की, लेकिन जैसे आए दिन मेरे अंकल एबडक्ट हो गए थे जिसके लिए हमें 3 लाख रुपए देने पड़े थे उन्हें। तो ऐसे जो चीज़ें हैं उसमें आप कैसे चेंज लेकर आ पाएंगे? मतलब वहाँ पे है एडुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब सिटीज़ में है, लेकिन आप अगर पिछड़े एरिया में जाएंगे तो वहाँ आप कैसे चेंज लेकर आ पाएंगे? जबकि चेंज आप लाना चाहते हैं लेकिन आप ला नहीं पा रहे, तो उसके लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? मुझे बस वो जानना था। जी जी दीपमाला ना यू आर? जी 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 सर। जी जी दीपमाला जी, मतलब रियली मैं आपके दर्द को शायद उतना महसूस ना कर पाऊँ जो आप रोज वहाँ पे फेस करते होगे। बट मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस मणिपुर के संबंध में रखना चाहूँगा कि जैसे हमारी बैचमेट है IAS में 2005 में, मैं जब ट्रेनिंग करता था लवासना मसूरी में, तो मेरी बैचमेट थी वहाँ पे जेसिंता को मणिपुर काडर में ही है वो, और अभी भी वहाँ पे काम कर रही है एक IAS के रूप में। कभी भी आप मणिपुर जाओ तो उनसे जरूर मिलना मेरा नाम लेकर। और सीज वेरी मतलब वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेटेड पर्सनलिटी, ऑल इंडिया उनका 27 रैंक था, फिर भी उनको मणिपुर काडर में गई हो। मणिपुर काडर में जाकर वहाँ पे लोग होता है, आप जानते ही होंगे कि बहुत सारे मतलब ऑल इंडिया सर्विस के लोग मणिपुर नागालैंड ये सब काडर मिलता है,
तो कार्डर बेस्ड मैरिज करके वहां से निकल आने की कोशिश करते हैं, बट जेसिंता ने कभी ये सब नहीं सोचा, उसने मणिपुर कार्डर मिला है, जबकि तमिलनाडु की रहने वाली है, तमिलनाडु से जाकर मणिपुर गई, मणिपुर में उसने अपने आप को फुल्ली कन्विंस किया, अपने आप को डेडिकेट करके काम करना चालू किया, और आई होप कि वो बहुत अच्छा कर रही होंगी वहां पे अभी भी। वो जब फेज टू में, एक साल हमारा फेज वन ट्रेनिंग होता है लवासना मसूरी में, फेज वन ट्रेनिंग होने के बाद करीब 10 महीने के, एक साल के लिए हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, अपने कार्डर में जाते हैं, तो ऐसी मणिपुर में अपने डिस्ट्रिक्ट में वो गई थी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में थी मैं भूल गया हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट में गई थी, और जब वापस फिर उसके बाद 2 महीने के लिए फेज टू करने लवासना मसूरी वापस आते हैं, तो जब जेसिंता आई थी तो एक बार के लिए वो काफी डाउन हो गई थी, बहुत ज्यादा डाउन थी मुझे याद है, और उसने खुद लेटर दिखाए, अपने प्रेजेंटेशंस में भी दिखाए, इंडिविजुअली भी मुझे दिखाया कि उसकी सैलरी के बहुत बड़े पोर्शन को वहां पे मांगा गया था, मतलब पूरी दादागिरी से एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी के बड़े पोर्शन को, तो बहुत बड़ी बात है, और बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में बोलूंगा, आपने खुद बताया कि आपके अंकल को अबडक्ट कर लिया गया था, आपके घरों के पास बंकर बने हुए हैं, तो ये वार लाइक सिचुएशन है, और वहां पे जो डे बाय डे रोज फेस करते होंगे, तो शायद मैं उस चीज को उतने इम्पैथी से महसूस ना कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो, और हम एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, तो दोनों चीज का एक लिमिट होता है, मैं ये नहीं हो सकता कि मैं कोई जादूगर हूं और एक छड़ी घुमाओ सब चीजें ठीक हो जाएं, हाँ जो गिवन सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें द बेस्ट करने की कोशिश हम जरूर कर सकते हैं। वैसे मैंने दंतेवाड़ा में द बेस्ट करने की कोशिश की, बहुत कुछ आउटकम आया, वहां की सिचुएशन और मणिपुर की सिचुएशन, जैसे बिहार और दंतेवाड़ा की सिचुएशन में मैंने डिफरेंस बताया, उसी तरह से दंतेवाड़ा के और मणिपुर के सिचुएशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और होगा 100%। मैं उसमें यही कहना चाहूंगा कि देखिए एक तो सबसे बड़ी चीज होती है पॉलिटिकल भी, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहे जिसके सैलरी से 25% 30% सैलरी का हिस्सा मांगा जा रहा हो तो एक लिमिट तक ही चेंज ला सकता है, दूसरा जैसे पॉलिटिशियन है या नॉर्मल सिस्टम है, ओपन वहां पे इंसर्जेंसी है, जैसे मैं रियलाइज कर पाता हूँ नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे जो इंसर्जेंसी का नेचर है वो बिल्कुल ओपन है, जैसे बस्तर है दंतेवाड़ा है वहां पे अभी भी एक छिपा हुआ एक पर्दे के पीछे का गेम होता है इंसर्जेंसी, लेकिन वहां तो मैं जितना सुनता हूँ जानता हूँ, मैंने भी नॉर्थ ईस्ट काफी घूमने की कोशिश की, वहां पे जितना मैं समझ पाया वहां पे बहुत ओपन इंसर्जेंसी है, उस वो निश्चित रूप से ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो इसमें मैं पहला चीज बोलना चाहूंगा कि एक तो पॉलिटिकल डेडिकेशन, पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सालों तक बहुत ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के प्रॉब्लम्स को ध्यान नहीं दिया गया, वो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट में बोलूंगा, बट मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मोदी जी के आने के बाद नॉर्थ ईस्ट पे काफी फोकस बढ़ा है और चीजें एक्चुअल में ग्राउंड में चेंज होने में और बड़ा चेंज होने में समय लगता है, तो एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पॉलिटिकल डेडिकेशन चाहिए, स्टेट्स का गवर्नमेंट से चाहिए, और एक सोसाइटी की एक नॉर्मल अर्ज भी चाहिए, एक नॉर्मल डिमांड, सोसाइटी से डिमांड भी क्रिएट होना चाहिए, तभी बिग चेंजेस किसी भी सोसाइटी में आते हैं, मैं ये चीज रियलाइज करता हूँ। मैं धीरे धीरे यही कहना चाहूंगा कि वहां पे भी जब एजुकेशन आएगा, जब वहां पे एक्सपोजर आएगा, मुझे लगता है कि उस सोसाइटी में भी मोबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है कि लोग मणिपुर ज्यादा जाएं, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से मणिपुर के लोग रिमेनिंग इंडिया में ज्यादा आएं, दिल्ली में या दूसरे भारत के दूसरे दूसरे भागों में ज्यादा से ज्यादा आएं, जितनी मोबिलिटी बढ़ेगी उतना अच्छा होगा, लोग बाहर को देखेंगे तब उनके एस्पिरेशंस जागते हैं, एस्पिरेशंस बढ़ते हैं, तब उनको समझ में आने लगता है कि गन का ग्लैमर या वायलेंस से एक लिमिटेड चीज मिल सकती है बट रियल चीज हमको पाना है तो ये सब चीजें जरूरी है, तो धीरे धीरे हमको इस तरह से लोगों को एस्पिरेशन को बिल्ट अप करना है थ्रू एक्सपोजर और सोसाइटी की मोबिलिटी को बढ़ाना चाहिए, उसके लिए क्लियर कट पॉलिसी बनाकर उसके अंतर्गत हमको प्रोग्राम्स डिसाइड करने चाहिए कि हम हजारों लाखों लोगों को रेस्ट ऑफ इंडिया का विजिट कराएं, रेस्ट ऑफ इंडिया के लोगों को मणिपुर की विजिट कराएं, उनके तक उनके एस्पिरेशंस पढ़ सकें, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैपिंग करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम वाइबल एजुकेशन दे सकते हैं, इसका एक होलिस्टिक प्लान हो, कैसे हम एजुकेशन देने के बाद उनको एक वाइबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में क्लियर कट पॉलिसी स्ट्रेटजी हो, तो इस डायरेक्शन में एक बड़े विजन के साथ काम करने की जरूरत है, तभी मुझे लगता है कि बिग चेंजेस वहां पे आ पाएंगे। मैं दूर से जितना रियलाइज कर पा रहा हूँ इतना ही मैं बोलना चाहूंगा, इसमें डेडिकेटेड
लोकल लोगों को इन्वॉल्व करके एक कंक्रीट विजन, एक कंक्रीट पॉलिसी और उसके अंतर्गत प्रोग्राम्स डिजाइन करने चाहिए, एक कंप्लीट होलिस्टिक बजट प्लानिंग होनी चाहिए और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म इश्यूज और शॉर्ट टर्म इश्यूज दोनों को अलग अलग एड्रेस करते हुए आगे आने वाले 8-10 सालों के लिए योजना बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम लोग, मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर जैसे स्टेट में भी बिग चेंजेस ला सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद ओपी सर। Thank you. We are short of time, so I would request everybody to please ask very short questions. So next, Iram, are you here? Okay, it seems that Iram has some connection issues. Okay, we'll have a quick questions from Deepanshu, followed by Swati ji. Very quick. बहुत बहुत नमस्कार सर, आपका काम सुनके, आपका contribution देके बहुत ज़्यादा motivation मिली। मेरा एक सवाल ये है कि जो पूरा का पूरा नक्सलिज्म का इशू है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन में इसको दो हिस्सों में बांटना चाहिए। एक हिस्सा जो आपने समझाया कि कैसे कुछ गांव के लोग वंचित रह गए हमारे समाज से, सिविलाइजेशन से, डेवलपमेंट से, लेकिन दूसरा हिस्सा वो है जो इस एक्सप्लॉइट, जो इस वीकर पोजिशन को एक्सप्लॉइट करके टेररिज्म फैलाता है, और वो टेररिज्म प्रो डेवलपमेंट इसलिए नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि वो रेलवे ट्रैक से लेकर रोड, जो कि साइन ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, उन सभी को उड़ाता है और कहीं ना कहीं उनमें सेपरेटिस्ट टेंडेंसी भी है। तो आप उस चीज को कैसे देखते हैं, हालांकि खास करके उस दौर में जिस दौर में कई तरह के फंडामेंटलिज्म और टेररिज्म पालगढ़ से लेकर कई और इंसिडेंट्स के अंदर मिलकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकना, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने से लेकर किसी की लिंचिंग कर देना, अकेडमी आगे थ्रू उस नैरेटिव को सॉफ्ट तरीके से, सटल तरीके से फैलाना, तो उस इन्फॉर्मेशन ऑफेंसिव को हम कैसे काउंटर करें जिससे कि आप जैसे सिविल सर्वेंट्स के काम में किसी तरह की आइडियोलॉजिकल बाधा ना आए और हम इन लोगों को और ज्यादा डेवलपमेंट की ओर लेके जा सके। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इशू आपने रखा है दीपांशु, और मैं आई एम वेरी क्लियर क्रिस्टल क्लियर कि जो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करना, पूरा जनरेशनल चेंज लाना, उनमें एम्पावरमेंट करना, वॉइस क्रिएट करना उस सोसाइटी में, ये सब लॉन्ग टर्म और परमानेंट सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात रखी। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मतलब रोड उखाड़े जा रहे हैं, बिजली का कनेक्शन काटा जा रहा है और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट प्रोसेस को बुरी तरह से हैम्पर किया जा रहा है, तो उसको कहीं से हम जस्टिफाई करने की तो सवाल ही नहीं उठता। और जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में मैंने बार बार कहा इसको एक लॉ एंड ऑर्डर इशू की तरह ही हैंडल करना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर इशू की तरह ही हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि जब सोसाइटी में लॉ, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश नहीं रहता, रूल ऑफ लॉ जब ब्रेक हो जाता है, लॉलेसनेस रहती है एक, तो ग्लैमर ऑफ गन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जब ग्लैमर ऑफ गन आ जाता है किसी सोसाइटी में तो उसको कभी भी कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन एक नहीं दिया जा सकता। मैं भी इस चीज का स्ट्रांग बिलीवर हूं, और उसको तो टिट फॉर टैट ही करना पड़ेगा, और उस हिसाब से स्ट्रांग पॉलिसी के तहत ही लैंड ऑर्डर इशू की तरह ही हैंडल करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन क्रिएट द सिचुएशन जिसमें डेवलपमेंट प्रोसेस को इनहेंस किया जा सकता। आई एम फुल्ली एग्री विथ यू, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज लैंड ऑर्डर इशू की तरह देखना और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रूप में देखना, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, दोनों की इंपॉर्टेंस को मैं एक्सेप्ट करता हूं। जी सर, थैंक यू। स्वाति जी, क्विक क्वेश्चन ओनली, वन क्वेश्चन प्लीज। हां, नमस्ते सर। जी नमस्ते स्वाति जी। सर, आपके कामों की तारीफ करना सूरज को दिया दिखाने जैसा। अरे नहीं 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 सर, मुझे खाली ये पूछना है, आपके बातों से समझ में आया कि नक्सलाइट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल है, और इतनी नॉट लाइक चैनल, यू कांट से इट्स लाइक चैनल, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन तो है ना सर। इट्स नॉट लाइक, मतलब इट्स नॉट दैट क्लियर, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में जैसे आपको फील हुआ होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे कॉन्ट्रेक्टर कोई होता है तो कॉन्ट्रेक्टर कई बार आके बोलते हैं कि सर वहां पे स्लैब स्ट्रक्चर बनाने से मना कर रहे हैं, ठीक है, तो यू डोंट नो कि कॉन्ट्रेक्टर झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, कई बार उसके लिए ये इजी नहीं होता या उसके लिए ज्यादा बेनिफिट वाला नहीं रहता, तब भी बोल सकता है, बट बहुत ज्यादा अंदर की चीजें अगर कुछ भी नहीं बन पा रही हैं, कुछ नहीं सही से कुछ तो सही, इसलिए कई बार प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना पड़ता है। अब वो कॉन्ट्रेक्टर कैसे क्या बनवा रहा है उसको माइक्रोस्कोपिक ढंग से, माइन्यूट चीजों में मैं कभी नहीं जाता था, उसको उसके ऊपर छोड़ देता था। हो सकता है बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें कुछ 5-10% प्रोजेक्ट में होती रही होंगी, आई डोंट नो, और कभी मैंने उसको जानने की कोशिश भी नहीं की। मैं इतना बोलता था कि भाई पुलिस से, लॉ से
डायरेक्ट कोई आप कॉन्फ्लिक्ट मत कर लेना, नहीं तो आप पे फिर लॉ के हिसाब से कार्रवाई हो सकती है। बाकी प्रैक्टिकली आप कैसे हैंडल करके कैसे बना सकते हो, लोकल टीचर को लोकल कॉन्ट्रेक्टर को इतना लिबर्टी मैं देता था क्योंकि वहां पर अगर कुछ नहीं है तो ट्रांजिशन फेज में कम से कम कुछ तो हो, वो इम्पोर्टेंट था। सर मेरा सवाल अब ये है, पति जी प्लीज, 8:30 से हमारा नेक्स्ट सेशन था, रियली सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, क्योंकि सर दूसरे भी हमारे मेंटरशिप सेशन है तो कुछ ओके सॉरी आई वाज नॉट अवेयर। हां कोई, थैंक्स अ लॉट सर, बहुत ही इंस्पिरेशनल सेशन था। अरे नहीं, थैंक यू सुयस, मतलब ये मुझे बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि मैं छत्तीसगढ़ से उसी राज्य से आता हूं और मैंने मॉडल्स को देखा है। अरे नहीं, ग्रेट, और ये इतना अच्छा सबको पसंद आया। और इसके अलावा भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार गूगल में सर्च करें ऑक्सी रीडिंग जोन, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी लोग हैं, अगर जब आप उस ऑक्सी रीडिंग जोन के बारे में पढ़ेंगे नालंदा परिसर, आपको पढ़ाई करने का मन हो जाएगा, मैं बस इतना ही बोलूंगा। नालंदा परिसर नाम से यूट्यूब में सर्च करना, वीडियो ही मिलेंगे नालंदा परिसर रायपुर। तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी डेलीगेट्स की तरफ से थैंक यू सो मच, और कभी भी कुछ भी मेरे लायक रहे तो आप इंटरेक्ट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू, और जहां भी आपके लाइफ में भी और आपके सोसाइटी बिल्डिंग के प्रयासों में मैं कहीं कुछ भी थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर पाया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका ईमेल आईडी पूछ रहे थे बहुत से लोग, तो जी OPCIAS IAS टैग तो मैं रखना नहीं चाहता बट पहले से बना हुआ है तो मजबूरी में रखना पड़ता है। OPCIAS, ओ फॉर ओम, पी फॉर प्रकाश, सी फॉर चौधरी, IAS, आई फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, सही, OPCIAS सब स्मॉल में, OPCIAS@gmail.com। धन्यवाद सर, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।